हे एवरीवन दिस इज चांदी दिनानी वर्कमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समथिंग वी वर वेरी ईगर टू नो अबाउट दैट इज द सैम्पल क्वेश्चन पेपर विच विल बी बेस्ड ऑन द रिड्यूस सिलेबस जो आपके इस

और जितने भी हमारे क्वेरीज थे ना कि मैम राइटिंग सेक्शन एमसीक्यू के फॉर्म में कैसा आएगा ट्रस्ट मी इट्स वेरी इजी मतलब एक लेटर अगर आपको लिखने को मिलता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में और एक एमसीक्यू के फॉर्म में अगर आता है जैसा सैम्पल क्वेश्चन पेपर में दिया है यू विल लव दैंपल क्वेश्चन पेपर वाला पैटर्न बिकॉज उसमें इतने ईजी क्वेश्चन हैं कि आपको खुद ही समझ आ जाएगा अच्छा ठीक है लेटर में मतलब यही इंक्लूड होगा सो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन पेपर हैज मेड मी फील वेरी हैप्पी और सिमिलरली आपको भी ये समझ आएगा कि कितना ईजी टाइप का पैटर्न है एंड इट्स वेरी गुड थिंग कि आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं ऑल्सो जब मैंने आपको एमसीक्यूज सॉल्व करवाए हैं मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रैक्ट बेस तो ऑलरेडी हम बहुत पहले कर चुके हैं सॉल्व है ना जिसकी लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है अदर देन दैट आपको विदाउट एन एक्सट्रैक्ट अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज तो आपको कैसे सोल्व करें वो भी मैं करा चुकी हूँ तो आपके सैम्पल क्वेश्चन पे पेपर में डायरेक्ट भी हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड भी हैं तो आपकी दोनों ही टाइप की प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है कमिंग टू द पॉइंट ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दैट इज दी आर सी पार्ट उसमें भी आपको पैसेजेस बहुत ही प्यारे गिवन है बेस्ट थिंग इज आपको पैरावाइज डिवाइडेड है जो भी पैसेज है सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट ग्रेट सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको एक बहुत प्यारा सा व्यू मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है ऑलरेडी वी आर डूइंग दैट इसके पहले की सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया था हम ऑलरेडी वैसी टाइप की प्रैक्टिस कर ही रहे हैं जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं बट येस जस्ट डिस्कस दी दैंपल क्वेश्चन पेपर नाउ बिफोर वी बिगिन विद द पेपर वो अभी की बात करें हम या आपके एग्जाम टाइम की बात करें ऑलवेज मेक इट अ हैबिट टू रीड द इंस्ट्रक्शन जेनरल इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं और उसमें लिखा भी होता है रीड द फॉलिंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली और आप क्या करते हो हाँ, ये कौन पढ़ेगा ये थोड़ी पेपर में आ रहे हैं यू हैव टू रीड दैट क्यों क्योंकि उसमें सब मैंशन होता है आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपके लिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं और यही सारी चीजें अगर आपको पहले ही क्लियर हो जाए जो कि आपको मिलते हैं लाइक अराउंड फाइव टू टेन मिनट्स मिलते हैं इन द इट इज वेरी गुड थिंग फॉर यू टू बी प्रिपेयर टू गिव ऑल दी आंसर्स ठीक है सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द डिटेल्ड सोल्यूशन हमें सबसे पहले पढ़ना है जितने भी इंस्ट्रक्शन गिवन है आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आपको लिंक ऑफ द सैंपल क्वेश्चन पेपर और इसकी मार्क मार्किंग स्कीम जिसमें आपको सारे आंसर्स वगैरह मेंशन है सारी चीजें मिल जाएंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो उसकी इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं बिकॉज ऑलरेडी वी विल सॉल्व दैट हेयर बट देन टू अगर आपको यू you नो know, पहले सैम्पल पेपर डाउनलोड करना है यू वॉन्ट टू सॉल्व इट आफ्टर वी डिस्कस दिस आपको फिर से उसको सॉल्व करना है अपने आप से डाउनलोड द पी डी एफ और द पेपर फ्रॉम द लिंक क्लियर तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है ऑब्वियसली इट्स द सैम्पल क्वेश्चन पेपर सैम्पल टाइप के क्वेश्चन हैं जिसको आप एक तरीके से you know, एक बोल सकते हैं कि एक एक प्रीव्यू की तरह रख सकते हो कि हाँ ठीक है इसको देखते हुए या इसी तरीके के क्वेश्चन मुझे प्रिपेयर करने दिस इज फॉर द सेशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू फॉर क्लास टेन सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड इट्स फॉर स्पेसिफिकली टर्म वन क्योंकि अभी टर्म वन की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली सब्जेक्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज आपको टोटल टाइम गिवन है घंटा ठीक है वन आर थर्टी मिनट का टोटल आपको टाइम पीरियड मिल रहा है एंड द मार्क्स आर फोर्टी जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमको रिड्यूस सिलेबस का पूरा पैटर्न पता चला था टाइम ओनली वी हैव डिस्क कि टोटल नाइनटी मिनट्स मिलेंगे और फोर्टी मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स थ्री सेक्शन तीन सेक्शन आएंगे वो भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑब्वियसली रीडिंग ग्रामर एंड लिटरेचर

यू हैव टू बी श्योर फॉर द फोर्टीन क्वेश्चन कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन आई जाता है सैम्पल पेपर में और वो एग्जाम का जो स्ट्रेस होता है तो हमको लगता ही है मतलब कौन से क्वेश्चन पेपर का कौन सा क्वेश्चन है ये समझ नहीं आ रहा दो दो ऑप्शन सही लग रहे हैं या कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा तो ये बेस्ट होता है जब आपको इंटरनल चॉइस मिलती है ना दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू तो यहाँ पे वही चीज गिवन है दैट आपको 18 टोटल गिवन है उसमें से आपको 14 अटेम्प्ट करने हैं दैट इज यू यू कैन लीव लीव फोर हैव टू अपना टाइम मत वेस्ट करना नहीं, नहीं मैं तो पूरा एडिंग क्वेश्चन करके आऊंगा क्या पता एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे टीचर ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है देन सेक्शन बी इज राइटिंग एंड ग्रामर राइटिंग ग्रामर एक साथ आएगा ऑलरेडी बात कर चुके हैं इन द रिड्यूस सिलेबस वाला वीडियो इट हैज ट्वेल्व क्वेश्चन बारह क्वेश्चन है टोटल अटेम्प्ट टोटल ऑफ

देन राइटिंग ग्रामर हो गया एंड देन वी आर लेफ्ट विद लिटरेचर जिसमें आपको टोटल थर्टी क्वेश्चन गिवन है कुछ हैं गिवन एक्सट्रैक्ट बेस लाइक आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है चैप्टर का इवन नाम भी दिया हुआ है कौन से चैप्टर से गिवन है और आपको फिर उस उसपे क्वेश्चन दिए बड़े ही आसान ठीक है एंड देन आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है जो एक्सट्रैक्ट पे बेस नहीं है डायरेक्ट है फ्रॉम द चैप्टर्स बट अगर आपने सारे वीडियोस देख लिए अभी तक एमसीक्यूज के जो भी मैंने बनाए हैं डेफिनेटली ट्रस्ट मी आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि ये मुझे याद ही नहीं आ रहा कौन से चैप्टर से हैं या स्टफ लाइक दैट क्लियर सो यू हैव टू attempt सिक्स क्वेश्चन एज पर वट एवर यू फील लाइक लाइक आपको जो भी लग रहा है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन गिवन होंगे ठीक है लाइक अगर आपको किसी में गिवन है कि यू हैव टू आंसर एनी वन ऑफ दीज टू ऑफ दीज तो उसी में से ऑप्ट करना है अपनी मर्जी से मत चॉइस कर लेना कि नहीं 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 मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है अच्छा नहीं लग रहा है इसमें टाइम वेस्ट होगा मैं ये वाला कर लेता हूँ जो बोला गया है उसी पे मार्क्स मिलेंगे सो डोंट एक्ट लाइक यू डोंट नो एनीथिंग इसीलिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ के जाया करो वैसे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे पढ़ लिए हैं अगर तो आपको ओवरऑल जो भी एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर हो गया है अब वहां पे एग्जाम में एक बार आप फिर से पढ़ लोगे सो यू विल बी लाइक अच्छा ठीक है ये मुझे पता है कि मुझे कितने क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन के हिसाब से पढ़ने सो नेवर एवर जंप स्ट्रेट टू द क्वेश्चन आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं इसीलिए दिए गए हैं ठीक है ऐसा नहीं है क्वेश्चन पेपर बड़ा प्यारा लगता है इंस्ट्रक्शन से इसलिए लिख के दे दिया इट्स इंपॉर्टेंट डन सो आपको टोटल थर्टी क्वेश्चन दिए हैं इन द लिटरेचर सेक्शन एंड यू हैव टू आंसर हाउ मेनी अराउंड 26 questions around me exactly 26 questions clear ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स देर इज नो लॉन्ग नो नेगेटिव मार्किंग यानी हर एक क्वेश्चन का इक्वल वेटेज uh, है इट्स नॉट लाइक का क्वेश्चन है लेटर का है तो पॉइंट um, फाइव का हो जाएगा या ग्रामर का पॉइंट फाइव काचर विल गेट वन मार्क का क्वेश्चन मार्क्स का वेटेज है एंड यस ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग नहीं है पीपल की पासकिंग जो भी बच्चे हैं वो कॉमेंट सेक्शन में बहुत पूछते हैं स्पेफिकली रिड्यूस सिलेबस वाले वीडियो में बहुत पूछा आपने की नेगेटिव मार्किंग है कि नहींट अनेगेटिव मार्किंग लेकिन योर स्कूल एग्जाम ठीक है, इट्स लाइक देयर समथिंग में आपको मिल जाता जाता है, है, so no अगर आपका कोई question गलत हो भी डज नॉट मीन आपको माइनस जो भी मार्क्स uh, you know, होंगे क्वेश्चन के वो हो जाएंगे या माइनस वन हो जाएगा नो बट ये अगर आप कोई गलत क्वेश्चन को गलत आंसर करोगे किसी क्वेश्चन को या आप किसी क्वेश्चन को छोड़ दोगे सो so ऑब्वियसली आपको वो मार्क्स नहीं मिलेंगे समझ रहे हो सो ओवरऑल नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है बट डेफिनेटली आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए व्हाट इफ अगर आपको दो ऑप्शंस में डाउट है एंड यू फील लाइक कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर यू नो ज्यादा प्रोबेबिलिटी सी ऑप्शन या बी ऑप्शन की लग रही है कीप आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस जितने भी बोले गए हैं डोंट आंसर ऑल द थर्टी क्वेश्चन समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ तो आपको बिल्कुल ध्यान से हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है डोंट लीव इट कि रहने दो आता ही नहीं है तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो जाएगी यू डोंट हैव अ नेगेटिव मार्किंग है ना तो अगर आप गलत करोगे भी तो जीरो मिलेगा उस क्वेश्चन का आपके डिडक्ट नहीं हो जाएंगे मार्क्स क्लियर सो प्लीज बी वेरी विजिलेंट 90 मिनट्स बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है आपको इंग्लिश में तो भी आपको सॉल्व करना है है ना इन डिवाइड प्लस माइनस ऐसा कुछ करना नहीं है आपको ध्यान से पढ़ना है एंड देन यू हैव टू आंसर दी क्वेश्चन नाइनटी मिनट्स

आपको पैराग्राफ में पैसेज दिया है अब देखो अगर यहाँ पर ना पैराग्राफ नहीं दिया और बहुत सारा पैसेज दिया हो ऐसे क्वेश्चन पेपर में तो हम ना कहीं ना कहीं ऐसे होता है क्या पढ़, पढ़, पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो ऊपर क्या पढ़ा था यू मिस द पॉइंट है ना तो सबसे बेस्ट चीज तो आपको जो पैसेज है है वो डिवाइडेड बेस्ट थिंग अबाउट दिस सेक्शन इज कि आपको क्वेश्चन में भी पैराग्राफ है सो इट्स लाइक आपको ये जो एग्जामिनर जिसने भी पेपर सेट किया है ना वो आपके लिए पेपर बना रहे हैं कि नहीं बच्चों के मार्क्स अच्छे आने चाहिए सो प्लीज उनकी ना जो आप वो एक्सपेक्ट कर रहे एग्जामिनर्स और दो बड़े बड़े स्कूल पेपर इज गोइंग टू कम वो सारे क्वेश्चन पेपर्स आर डिजाइन सो दैट आप अच्छा स्कोर कर पाओ यू कैन डू इट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हो वे आई हैव टोल्ड यू एंड द वे द क्वेश्चन पेपर डिमांड्स क्लियर सो यहां पर ओवरऑल आपको पैराग्राफ वाइज डिवाइडेड है पैसेज दैट द बेस्ट थिंग एंड द सेकंड थिंग यू नो सेकंड बेस्ट थिंग इज आपको क्वेश्चन में भी पैराग्राफ है तो आपको ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा यू हैव टू गो टू द पैराग्राफ स्ट्रेट एंड फाइंड द आंसर अब आपके पास दो तरीके हैं या तो आप पूरा पैसेज पढ़ लो एंड देन यू जम्प टू द द्वेश्चन या फिर जो सेकेंड तरीका है द वन जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है एंड जनरली टीचर्स ऑल्सो सजेस्ट दैट और वो क्या है कि आप क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन में पैरा तो मेंशन ही है ना देन रीड दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ और कुछ क्वेश्चन जो ओवरऑल पैराग्राफ या ओवरऑल पैसेज पे बेस्ड होंगे ऑब्वियसली आप फिर पूरा पैसेज पढ़ सकते हो अभी के लिए बिकॉज मुझे आपको एक्सप्लेन करना है पूरा पैसेज तो मैं पूरा पैसेज पढ़ूंगी देन वी विल जम्प टू द क्वेश्चन जिस भी क्वेश्चन में जो भी पैराग्राफ मेंशन होगा वो आपको नेक्स्ट स्लाइडर पर मिल जाएगा ठीक है बट वॉट यू हैव टू डू इज एक बार ट्राई करना क्वेश्चन पढ़ो जो पैराग्राफ दिया हुआ है गो टू दैट पैराग्राफ रीड दैट अंडरस्टैंड दैट क्या बोल रही हूँ अंडरस्टैंड दैट ठीक है इट्स नॉट लाइक रीड द पैसेज लिखा है तो यू विल बी लाइक पढ़ लिया देन क्वेश्चन पे जा रो अरे क्या मतलब था फिर पढ़ लेता एक बार में पढ़ो अच्छे से उसको समझो विजिलेंट है ना आंखें खोलो ठीक है एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड हर एक वर्ड कि भाई यहाँ पर अगर नेचर दिया हुआ है फर्स्ट टीचर बोला है तो क्यों बोला है ठीक like, हाँ है, इट्स नॉट लाइक हाँ टीचर क्वेश्चन ये तो नहीं है सीधे सीधे वो बच्चों वाला नहीं चलेगा अपन को जो अपन से से याद करके जाते थे तो so, आपको अच्छे से पढ़ना है सबसे पहला जो पैराग्राफ दिया है इट नेचर इज आर मदर अ फर्स्ट टीचर बहुत ही प्यारा पैसेज है यू विल लव इट यू विल इंजॉय इट बहुत बोरिंग होते ना पैसेजेस होते तो मजा ही नहीं आता क्या दिया हुआ बट दिस इज अ ब्यूटिफुल पैसेज ठीक है तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है नेचर प्रकृति हमारी मदर है हमारी मॉम की तरह है एंड शी इज द फर्स्ट टीचर ठीक है वो हमारी लाइफ की फर्स्ट टीचर है नहीं तो हम बोलते हैं ना मदर हमारी जो मॉम होती शी इज फर्स्ट टीचर करेक्ट बट नेचर इज ऑल्सो द फर्स्ट टीचर कैसे प्रूफ होगा द ग्रेटेस्ट लेसन दैट शी टीचर आज इज टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन लाइफ इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वालिटी बैलेंस ठीक है तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस तो नेचर जो सबसे बड़ा आपको लेसन टीच करती है वो क्या है मेंटेन द इक्विलिब्रियम इन लाइफ देखो कभी भी कोई भी चीज अगर ज्यादा हो जाती है या लिमिट क्रॉस हो जाती है ना हमेशा वो खराब होती है वो भले ही बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छे लोग होते हैं ना जो बिल्कुल मतलब जिनको देख के लगता है कि

हमारी लाइफ में हम कैसे बैलेंस मेंटेन करते हैं कभी हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं कभी बहुत खुश होते हैं कभी हम फेलियर्स देखते हैं कभी हम सक्सेस देखते हैं तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है अगर पूरा टाइम सक्सेस देखते रहोगे देखते रहोगे देखते रहोगे लाइफ में लाइक like, आप यू नो बचपन से सब कुछ अच्छा अच्छा है सब कुछ अच्छा अच्छा है लाइक द बेस्ट द द बेस्ट बेस्ट एंड फाइनली आप किसी इंटरव्यू में जाते हो आप फेल हो जाते हो नहीं झेल पाओगे है ना वो एक शॉक होगा कि अरे बाप रे मैं फेल कैसे हो गया दैट्स वाई लाइफ में इट शुड बी लाइक अ बैलेंस आपको कभी बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है इट्स गुड आपको कभी दुख फेस करना पड़ रहा है सोरो इट्स ऑलसो गुड एंड आपको फियर्स अपने अपने डर को कैसे जीतना है कैसे काबू करना है आपको कैसे उनको यू you नो know, आपको एक तरीके से विटनेस करना है उनको हाउ यू हैव टू डील विद इट वो सारी चीजें जो हैं वो आपको सिखाती हैं टू मेंटेन अ बैलेंस इन योर लाइफ

तो नेचर इज अदर फर्स्ट टीचर ठीक है बताते हैं हमको नेचर बताती है हमको कि कैसे बैलेंस मेंटेन करना लाइफ में हाउ डू वी मेंटेन कंपोजर लाइक हम कैसे काम रहते हैं कैसे अपने कंपोजर को मेंटेन करते हैं बाय ऑल दीज इमोशंस है ना एंड येस yes, नेचर आपको थाउजेंड्स ऑफ लेसेंस बता सकती है सिखा सकती है बट यू हैव टू लुक एट तो फर्स्ट पैराग्राफ इज इजी पीजी दर इज नथिंग कॉम्प्लीकेटेड लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सैप्लिंग ग्रोज इंटू अंग ट्री जो है वो फुल ग्रोन ट्री में ग्रो करता है, है ना जब आप सीड वगैरह डालते हैं मैंने और देते हो पानी देते हो, then finally क्या होता है, पौधा बनेगा, then एक tree होता है, है ना? ऐसा तो है नहीं एकदम से ट्री बन जाता है समथिंग सो टाइमी एंड डेलीकेट डेवलप इंटू अस्ट्रग ट्री केपेबल ऑफ सपोर्टिंग अदर्स क्या दिया हुआ है एक छोटा सा यंग ट्री जो है वो क्या होता है बिल्कुल टाइनी सा छोटू सा डेलिकेट बहुत ही नाजुक और एकदम से वो ग्रो किस में करता है स्ट्रॉन्ग ट्री में मे इज केपेबल ऑफ सपोर्टिंग अदर्स हमको शाडो देता है एनिमल्स आर देयर फ्रूट्स आ दे एवरीथिंग इज देयर है ना तो अगर आप एक छोटे पौधे को अगर आप अपने हाथ से भी थोड़ा क्रश करोगे गया बट अगर आप ट्री को क्रश करोगे हो जाएगा क्या क्रश नहीं तो वही चीज है कि आप धीरे धीरे ग्रो करते हो लाइफ में तो कितना प्यारा लेसन है जो आपको नेचर सिखाती है बट क्या हम ध्यान देते हैं इस पर नो नेक्स्ट इज नो मैटर हाउ टॉल इट ग्रोज ट्री होता क्या है वो जो रूट्स हैं वो तो वही रहेंगे है ना जितना भी ये ट्री ग्रो कर जाए कितना भी वो स्ट्रॉन्ग हो जाए फ्लरिश करे बहुत अच्छे से ग्रो करे कितने भी एनिमल्स और बर्ड्स को वो सपोर्ट करता है शेडो देना खाना देना घर देना शेल्टर देना है ना कितना भी ये सब चीजें हो जाए फिर भी उसके जो रूट्स हैं जो जड़ हैं वो फॉर्मली बरीड होते हैं इन साइड दैट पर्टिकुलर प्लेस जहां से उसने ग्रो किया था तो होता क्या है हम ह्यूमंस को इनडायरेक्ट एक लेसन मिल रहा है टॉन्ट मिल रहा है मैं कहना चाहिए क्योंकि जब हम लोग बहुत अच्छा यू नो जैसे कुछ लोग हैं जो जिन्होंने कुछ देखा नहीं बचपन में लाइक दे हैड अ वेरी नॉर्मल लाइफ बहुत मिडिल क्लास फैमिली या पुअर फैमिली को देवा बिलोंगिंग धीरे धीरे उन्होंने सक्सेस देखी फ्लारिश किया ट्री में यानी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में और फिर आपके पास सब कुछ है यू आर सक्सेसफुल आप एक वेल नोन पर्सन हो नोज यू यू बट कहीं ना कहीं क्या होता है मेजोरिटी ऑफ पीपल वो कहां से आए थे देन वही होता है सरपर जाती है है सर जाती सक्सेस ना हम भूल जाते हैं जो हमारे रूट्स हैं कहते हैं ना कि हमें जमीन पे रहना चाहिए कितना भी हम हवा में यू you नो know, पहुंच गए कितना भी सक्सेसफुल हो गए जमीन पे पैर रखना आना चाहिए एंड दैट इज समथिंग जो नेचर भी कर रही है इवन एक छोटा सा पौधा जो एक बड़ी ट्री में ग्रो कर गया उसके रूट्स अभी भी है उसकी जड़ वहीं पे है भल्ली वो इतना काम कर रहा है इतना स्ट्रांग है इतने लोगों को सपोर्ट कर रहा है फिर भी सो दिस इज समथिंग जो हमें सेकंड पैसेज से सीखने को मिल रहा है इजी ऑलराइट दैट्स अ लेसन टू कीप आवरसेल्व्स ग्राउंडेड रिस्पेक्ट एंड एम्ब्रेस आवर रूट्स एंड गिव समथिंग बैक टू दोस हंबल बिगिनिंग्स दैट नर्चरड अस इनटू हु वी आर और इसीलिए इस गिवन है कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको थोड़ा सा सोच विचार करना है सो so, यही एक लेसन है कि हमको हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए हमेशा जमीन पर रहो रिस्पेक्ट एंड एम्ब्रेज आर रूट हमारे जो भी बिगिनिंग्स हैं जहां से भी हम आए हैं यू नो अभी तक द जर्नी वी हैड हर चीज को हमें यू you नो know, एक तरीके से वी शुड हग इट वी शुड एम्ब्रेस इट वी शुड रिस्पेक्ट इट कि हाँ ठीक है हमने ये भी दिन देखे हैं, सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द पर्सन ऑल्सो कई बार होता है ना द पर्सन सक्सेसफुल लुक एट द पर्सन जो कि थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करता है या पुअर है विल बी लाइक ओहो दूर जाओ है ना बट वी नेवर वी काइंड ऑफ फोगेट कि हम भी ऐसा कुछ देख चुके हैं या किसी ने तो देखा होगा सो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड

एग्जिस्टेंस अब नेक्स्ट पैसेज में next paragraph जो है का उसमें क्या है? कि यहां पे एक message मिलता है आपको पीसफुल को एक्टेंस का पीसफुल मतलब बहुत शांति से को एक्स्टेंस मतलब एक साथ एग्जिस्ट करना ठीक है मतलब सारे लोग जो है वो एक साथ रहते हैं एक लेसन मिलेगा पीसफुल को एग्जिस्टेंस का कैसे आई एम बिकॉज वी आर बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है ऐसा है क्या पूरी दुनिया में लाइक कोई भी नहीं आप अकेले हो आप रह लोगे नहीं ना तो सब लोग हैं इसीलिए आप हो तो वही चीज है मैं हूं आई एम बिकॉज वी आर क्योंकि हम सब हैं तो वही चीज है एक साथ रहते हम सब डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर दैट इज वॉट इज पीसफुल को एग्जिस्टेंस नेचर प्रोवाइड एवरी क्रीचर अ चांस टू एक्सिस्ट और नेचर में भी यही होता है कि हर एक क्रीचर को एक चांस मिलता है कि वो एग्जिस्ट करे वो रहे है ना हर कोई एक दूसरे की मदद करता है कैसे एग्जिस्टेंस ऑफ वन क्रीचर ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द्रीचर का जो भी एग्जिस्टेंस है वो रह रहा है वो डिपेंड किस पे करता है दूसरे क्रीचर के भी एग्जिस्टेंस पे हाउ लेट्स द टाइगर ईट्स द ऑन्टलॉक ऑनटलॉक मतलब डियर है ना तो जो टाइगर है वो ऑन्टलॉक खाता है क्लियर फूड चेन है फूड चेन हम पढ़ते आ रहे हैं फोर्थ फिफ्थ से ईवीएस में पढ़ते ही है सो द टाइगर ईड्स द ऑन्टलॉक टाइगर खाता है ऑन्टलॉक को विदाउट दॉपाइगर नहीं होगा तो टाइगर जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगा तो हो सकता है कि जो टाइगर अगर नहीं होंगे देखो अगर ऑन्टलॉप नहीं है तो टाइगर तो वुड नॉट सर्वाइव क्योंकि टाइगर के पास खाना नहीं है वहीं पर दूसरे साइड पर भी अगर आप देखो अगर टाइगर नहीं होगा तो बहुत सारे ऑंटलॉग्स हो जाएंगे इनको कोई खाएगा नहीं तो इनका नंबर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा ओवर अबंडेंस जितने ज्यादा ज्यादा उनको उतना खाना चाहिए होगा खाना कम पड़ जाएगा का अगर नंबर बढ़ता गया तो क्या होगा अल्टीमेटली ये बिना खाए यानी, स्टाफ करते हुए हंगर की वजह से भूख की वजह से दे विल तो ओवरऑल क्या है दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ऑन्टलॉक नहीं होगा तो टाइगर वुड टाइगर नहीं होगा तो ऑनटलॉक वुड डाय दिस इज वॉट इज पीसफुल को एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन दी अदर हर कोई दूसरे पर डिपेंड करता है तो ये एक और थर्ड चीज है जो आपको सीखने को मिलती है यहाँ पर क्या आई एम बिकॉज वी आर ईजी डन ऑल राइट नेक्स्ट इज आई वो इफ यू हैव नोटिस दैट बर्थ और सी अपेटर नेक्स्ट में हमको बता रहे हैं कि यू you नो know, जो भी जिन्होंने भी लिखा है राइटर ने कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपने कभी यह नोटिस किया है कि नहीं कि बर्ड्स और स्क्विरल सी अ प्रिडेटर जैसे ही कोई पक्षी कोई बर्ड या स्क्विरल गिलहरी जो है वो किसी प्रिडेटर यानी शिकार को देखती है ठीक है जो भी उनको खाने वाला है द अटैकर दे गिव आउट एन अलार्म कॉल टू फेलो क्रीचर्स येस बर्ड्स यहाँ हो या स्क्विरल्स हो वो एक अलार्म कॉल देते हैं लाइक वो जागरूक कर देते हैं किसको जितने भी बाकी उनके यू नो साथीदार हैं लाइक द अदर स्क्विरल्स अदर बर्ड्स उनके लिए एक वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि भाई डेंजर है डा वर्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक पोअम में आई होप आपको याद हो लर्किंग का मतलब क्या होता है टाइगर इन द जू याद है है ना उसमें देखा था लर्किंग तो लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग छुपा हुआ है ना तो जो छुपा हुआ डेंजर है वो इन लोग को दिखेगा नहीं बट एकदम से अगर ये इनको अलार्म कॉल यानी कि एक बार इनको यू you नो know, जागरूक कर देंगे सतर्क कर देंगे कि कोई यू नो प्रेटर है या शिकार है हमारा शिकारी है तो क्या होगा सब लोग बहुत ज्यादा विजिलेंट हो जाएंगे एंड वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो इस तरीके से वो छुपे हुए danger, danger से बाकी अपने अपने क्रीचर्स दोस्तों को बचाते हैं क्लियर दे पुट डेम सेल्स इन डेंजर टू सेव द लाइफ ऑफ अदर्स और खुद को एक खतरे में डाल देते हैं ना है ना वो अगर वो चाहें तो भाग जाते छुप जाते नहीं वो क्या करते हैं वो अलार्म कॉल देते हैं ताकि उनके बाकी जो क्रीचर्स हैं जो साथीदार हैं वो बच जाए तो अपनी लाइफ को डेंजर में डालकर दे सेव द लाइफ ऑफ अदर्स मेनी एनिमल्स लाइक द सामन यूजअली डाई आफ्टर दे स्पॉन स्पॉन का मतलब होता है गिव बर्थ ठीक है

एज ए ह्यूमन बींग पता है कि मैं इसकी मदद करता हूं तो फिर मैं ही मर जाऊंगा तो आप क्या करोगे आप लाइफ में कभी उसकी मदद नहीं करोगे आप बोलोगे भैया कौन कि अपनी लाइफ को कौन डेंजर में डाल सकता है बट वहीं पर अगर आप ध्यान दो इफ योर पेरेंट्स सी कि आपको कोई प्रॉब्लम है

किसके लिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स किसी और के अच्छे के लिए तो वो एक बहुत ही छोटी कीमत है छोटा प्राइस है टू पे तो अगर आपकी लाइफ जा रही है फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स लाइफ नो वरीज द वे सोल्जर्स आर प्रोटेक्टिंग अस है ना वो दे जस्ट गिव अप देयर लाइफ ताकि वो अपने देश को अपने इंडिया को भारत को सेव कर पाए अदर कंट्रीज ऑल्सोर्स फॉलो द सेम प्रोसेस सेम थिंग इज देर यहाँ पर कि जो सामन है उसको ये स्टॉप नहीं करता थिंक कि यू नो इट इज गोइंग टू डाई आफ्टर इट स्पॉन्स डन तो एक और चीज है आपको क्या देखने को मिल रहा है पर एक तो मेन चीज ये है वन लाइफ एक्सटिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ आदर्स टू पे एंड ऑल्सो यू गेट टू सी इसके पहले वाले में आई एम बिकॉज बी आर डन तो ये पूरे लिंक थे थर्ड फोर्थ आई होप आपको क्लियर है कि एग्जैक्टली exactly क्या बोलना चाह रहे हैं डन ऑल राइट right. नेक्स्ट इज द फिफ्थ पैराग्राफ से स्नो मेल्स इन दॉम्थ ऑफ स्प्रिंग टू गिव बर्थ टू फ्रेश ग्रीन लीव जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है सनलाइट आती है स्नो क्या होता है जो बर्फ है वो पिघलने लगती है और उसकी वजह से क्या होता है वहां पर फ्रेश ग्रीन लीवस यू you नो know, ग्रो करती है ऑब्वियसली अगर स्नो स्नो होगा हर जगह तो आपको ग्रीनरी दिखेगी क्या नहीं दिखेगी बट जैसे ही वो पिघलने लगती है स्नो क्या होता है फ्रेश ग्रीन लीव आती है यानी स्नो ने खुद अपनी लाइफ एंड की किसको लीव्स को लाइफ देने के लिए

एक तरीके से पोम लग रही है ना पढ़ने में कि ऑटम जो पतझड़ का मौसम होता है उसमें क्या होता है यही पत्ते जो अभी फ्रेश ग्रीन हैं ये एकदम से येलोविश गोल्डनिश हो जाएंगे है ना मतलब सूख जाएंगे उसके बाद क्या होगा वो बरी हो जाते हैं क्योंकि वो धरती पे गिरते हैं ग्राउंड पे गिरते हैं देन उसके बाद पूरी यू नो जो भी मड वगैरह है वो इनके ऊपर होगी सो दे गेट बरेट ठीक है किस में इन द कोल्ड ग्रेव ऑफ विंटर क्योंकि ठंड है उस वजह से डन चेंज इज इन एविटेबल और जो चेंज होता है तो बदलाव होता है वो इन एविटेबल है आप अवॉइड नहीं कर सकते हो अगर मैं अभी सोचू कि नहीं नहीं अब मेरे को बड़ा ही नहीं होना मतलब मेरे को इसी एज पे रहना आई डोंट वॉन्ट टू एज ऐसा होगा नहीं ना एवरीबडी वॉन्ट्स दैट कि भाई हमको बुढ़ा नहीं होना बट सबको होना है दैट इज समथिंग देयर इन योर लाइफ अदरवाइज आपको ऐसा कि नहीं नहीं मैं तो के जी वन में ही पढ़ूंगा लाइफ टाइम मुझे नहीं पढ़ना है कॉलेज मुझे नहीं करना है इलेवन ट्वेल्थ पीसीएम नीट आई आटी बपरे कौन करेगा ऐसा नहीं होता है यू हैव टू डू इट यू हैव टू गो थ्रू इट आपको कभी ना कभी जॉब करनी पड़ेगी यू हैव टू अर्न मनी यू जितना जल्दी हम इस चीज को अपना लें जितना जल्दी हम इस चीज को यू नो एक्सेप्ट कर लें और खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ले उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड इन पेन देर इज ग्रोथ और ये भी चीज है कि यू you नो know, अगर पेन है दर्द है उसमें भी एक ग्रोथ होती है अब वो बहुत से एग्जाम्पल्स हैं आर मॉम सफर लॉट ऑफ पेन है ना वेन दे गिव बर्थ टू आज सेकेंडली हम बोल सकते हैं लाइक इफ वी यू you नो know, हमें बहुत पेन हो रहा है सपोज हम बोले किसी एथलीट के बारे में ठीक है उनको इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है दे दे हैव टू डू सो मच फिर उसके बाद उनको मेडल मिलता है अर्न अ ट्रॉफी फॉर द कंट्री फॉर और वो हैप्पीनेस वो सब चीज़ें उस पेन की वजह से ही आई है ना इफ़ यू आर स्टार्टिंग वेरी हार्ड अभी आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो आपको कभी कभी लगता होगा कितना पढ़ू कितना पढ़ू तो वो पेन है आपके लिए बट उसके बाद जब एक अच्छा रिजल्ट आता है अगर आप टॉप करते हो अगर आपको फर्स्ट रैंक आ जाती है आप फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी ले आते हो आप क्रैक कर लेते हो नीट को यू क्रैक आए ट एवर योर ड्रीम इज तो आप बोलोगे थैंक गॉड मैंने तब मेहनत की भले ही वो पेनफुल थी बट इट वर्थ इट सेम थिंग इज देयर कि कितना भी पेन हो लाइक इन लाइफ उसके बाद भी आपकी ग्रोथ ही होती है इफ यू कट अ होल इन द ट्री इट विल ग्रो अराउंड इट और नेचर से कैसे पता चलता है कट करते होल उसमें भी क्या होगा उससे भी यू you नो know, एक नया एक ग्रोथ हो जाएगी है ना आप देखते हो गए ट्री में आप कहीं पर भी कट करो एक और बार ग्रोथ हो जाती है इट्स नॉट लाइक एंड हो जाता है आप ट्रीज कट करते हो टाइम लगता है विच इज वेरी रॉन्ग डिफॉरस्टेशन इज समथिंग वी शुड बी स्ट्रिक्टली अगेंज बट येस yes, अगर आप किसी ट्री को कटवट करते हो देन डेफिनेटली वापस से ग्रो हो जाता है ना इफ़ यू विल अगर आप किसी ट्री से फ्रूट वगैरह लेते हो उसी के सीड्स फिर आप अगर डालते हो इन दर्ड और समथिंग अंडरग्राउंड देन क्या होगा आगे इन इट विल ग्रो है ना so वही चीज है कि आप कुछ भी रख दो ऐसा है ना टीर का जो भी ट्री है वो आपने काट के रख दिया अब ऐसा होगा पानी बहना ही बंद कर देगा अरे नहीं नहीं आगे का रास्ता बंद है चलो पीछे चलते है ऐसा होगा नहीं इट विल फ्लो वही चीज है आपकी कितनी भी रुकावटें आए लाइफ में यू हैव टू गो ऑन लाइफ मस्ट गो ऑन पिक्चर मस्ट गो ऑन सुना होगा ये सभी लाइन है ना

हो सकता है आपने किसी लव्ड वन को खोया हो है ना इन द लाइफ या फिर हो सकता है आप अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाए हो सकता है आपको हमेशा से था कि मैं आपको नहीं मतलब यू आर इन टेंथ स्टैंडर्ड अगर कोई और है जिसको ऐसा लगता था कि यू you नो know, मेरी ड्रीम थी आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर आई वॉन्टेड टू बी एन आई आई टी एन नहीं कर पाए कोई बात नहीं इट्स नॉट लाइक लाइफ एंड लाइफ मस्ट गो ऑन डू समथिंग एल्स है ना तो वही चीज़ है आपको यही सिखाता है कौन नेचर सिखाता है बट हम कभी ध्यान नहीं देते कि कुछ भी हो जाए लाइफ में इट मस्ट

ऐसा नहीं है कि लाइफ में आपको हमेशा यू नो टू डू लिस्ट बनानी है टू डू लिस्ट क्या होता है अगर आपने कभी देखा आपके सेल फोन में ऐसी ऐप हो या आप नोट्स बनाते हो यहाँ पे पास डायरी है जो भी चीज़ फॉलो करते हो आप ऐसा होता है कि यू ना ऐसे बॉक्स बने होते हैं चेक बॉक्स बने होते हैं और आप यहाँ मैंशन करते हो कि हाँ भाई मेरे को ना एक कार ख़रीदनी है मेरे को दुबई जाना है घूमने है ना वन डे आई हैव टू सी बुर्ज खलीफा है ना तो ये सब चीज़ें जो होती है फिर आप टिक करते हो मैंने कार खरीद ली मैं दुबई चला गया अभी मुझे और लिस्ट बनानी तो ऐसा नहीं है लाइफ का मतलब ये होता है कि आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि आपको ये सारी चीजें करनी है देन ओनली आपकी लाइफ में कुछ होगा अदरवाइज नथिंग इज दे नो इट्स नॉट लाइक मेकिंग लिस्ट इट्स अबाउट ट्राइंग टू बी वन एंड ट्राइंग टू बी वन स्टेप हैदर्स और ये भी नहीं है कि आपको हर किसी से आगे बढ़ना है कि पड़ोस वाले यू you विनोद know, शर्मा जी के बेटे हैं उनके फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी आए हैं तो मेरे भी आने चाहिए इस बार है ना मैं तो बिल्कुल उनके अगर थर्टी नाइन आए तो मेरे को फोर्टी लाने ही लाने ये सब चीजें जरूरी हैं बट हमेशा यही चीजें हैं क्या लाइफ में नो लाइफ इज टू लिव इफ यू हैव अ लाइफ यू हैव टू लिव इट है ना आपको ऐसा नहीं है कि आपको बस इंजॉय करना है यू हैव टू लाइक चिल चिल नो इट्स लाइक आपको बैलेंस मेंटेन करना है जो फर्स्ट पैसेज फर्स्ट पैरा में हमने देखा है ना एक इक्विलिब्रियम आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है तो यू हैव टू चिल ऑल्सो यू हैव टू लिव योर लाइफ ऑल्सो यू हैव टू बी विजिलेंट मैं लाइफ में कुछ कर रहा हूँ कि नहीं कि बस ऐसी मतलब आराम है। है? तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनीसफुल्स यू no, up invaluable lessons. This is a beautiful ending. क्या दिया हुआ है कि आपको एक ब्रेक लेना चाहिए है ना कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल काम ही करते रहते पूरा टाइम काम 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 लाइक जनवरी फर्स्ट से लेकर टिल दिसंबर एंड वो सिर्फ काम करेंगे अगले साल फिर वही फिर वही फिर वही दे डोंट टेक अ ब्रेक वो कभी छुट्टी नहीं लेते कभी ब्रेक नहीं लेते हैं कि लाइफ में कुछ करना ही नहीं है मतलब बस काम करना है पैसे जोड़ने ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपको ऑब्वियसली मेहनत करनी है हार्डवर्क करनी है यू हैव टू डू समथिंग गुड ताकि आप किसी और के लिए भी कुछ अच्छा कर पाओ लाइफ में बट ऑल्सो आपको कभी कभी ब्रेक भी लेना चाहिए लाइफ में से कि चलो आज हम क्या करें वीड वी शुड गो एंड स्टॉप बिंग वर्कोहलिक वर्कोहॉलिक का मतलब क्या होता है एक ब्लैंडेड वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बनाए वर्क प्लस अल्कोहॉलिक जिसे कहते हैं वर्कोहलिक वन हु वर्क ठीक है हार्ड वर्क वह जो सिर्फ काम करना पसंद करता है आपको क्या करना चाहिए टाइम लेना चाहिए हैव टू टेक अ ब्रेक और बाहर जाओ नेचर में स्मेल द रोजेस कितना रिफ्रेशिंग होता है ना गुलाब के फूल को आप यू शुड यू नो स्मेल इट डू वॉट एवर मेक्स यू फील हैप्पी आपको जो भी अच्छा लगता है डू दैट अब इसका मतलब ये नहीं है आपको कुछ ऐसा बहुत नेगेटिव कोई चीज़ अच्छी लगती है एंड यू डू दैट नहीं मतलब कुछ अच्छा करो अगर आपको जैसे क्रिकेट खेलना पसंद है डू दैट है ना वंस कभी कभी चलता है देन इफ यू फील कि मुझे बाहर घूमने जाना है गो यू वॉन्ट टू गो ऑन अ ट्रिप गो देयर बट एक बार ब्रेक लेना बनता है एंड मोस्ट ऑफ ऑल स्पेंड सम विथ नेचर एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेचर के साथ समय बीताओ इट्स वेरी गुड स्टार्ट यू नो फॉलोइंग अ मॉर्निंग वॉक रूटीन बहुत अच्छा लगेगा कहाँ जहाँ बहुत ग्रीनरी हो गार्डन हो बहुत अच्छा फील होता है टू पिकअ अप इन वैल्यूबल लेसन एंड ऑल्सो वो फीलिंग तो है ही साथ ही साथ आपको इन वैल्यूबल लेसन मतलब जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है मतलब ऐसे यू नो समथिंग जो कि जिसकी आप ऐसी कीमत नहीं लगा सकते हो इट्स समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो लेसन आपको सीखने को मिलेंगे सो यू मस्ट फॉलो दैट क्लियर तो ये ओवरऑल आई होप आपको क्लियर हो गया है डन नाउ यू हैव बीन गिवन द क्वेश्चंस अब गलती मत करना सीधे फर्स्ट क्वेश्चन पे जंप करके क्या करोगे हेडलाइन पढ़ो हेडलाइन मतलब जो भी आपको दिया हुआ है यहाँ पर लाइन टाइटल क्या based on your understanding of the passage answer any eight out of the 10 questions by choosing the correct option yani aapko clear ho gaya hai is passage mein aapko total kitne diye hue hain 10 question aapko kitne attempt karne hain yahan par 8 questions attempt karne you have to attempt total एट questions. ठीक है So I hope आपको यहाँ पे clear हो गया है क्या बोला गया है दस questions दिए हैं आठ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको लगता है सबसे बेस्ट है गलती नहीं करनी अरे मैम हमको तो टेन के टेन क्वेश्चन आते हैं हम तो इतने अच्छे से समझ गए पैसेज को हम तो टेन के टेन आंसर्स लिख के आएंगे क्यों कर रहे हो ये चीज़ जो बोला गया है वो करना चाहिए हमें है ना वी शुड नेवर एक्ट ओवर स्मार्ट तो आपको अगर यहाँ पे दिया हुआ है एट मीन्स एट तो दस के दस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेल यू हेयर आपको एनालाइज करना है कि क्या आपको ये क्वेश्चन जो है इनमें से एट क्वेश्चन समझ आए या नहीं पूरे के पूरे टेन आते हैं एक्सीलेंट गुड जॉब ग्रेट बट अगर एटलीस्ट एट क्वेश्चन आते हैं देन इट्स बेस्ट है ना आप दस क्वेश्चन करके आठ हाँ, सही है चलो बच्चे को नंबर दे दो। कुछ नहीं होने वाला है आपके जो के एट क्वेश्चन होंगे ना जो आपने आंसर किए होंगे उसी पर आपको मार्क्स मिलेंगे भले ही लास्ट के दो सही हो या नहीं हो द टीचर इज नॉट गोइंग टू लुक एट दैट क्लियर हो सकता है कोई टीचर बहुत अच्छा हो बट नहीं करना ये चीज आपको क्या करना है टीचर्स आर ऑलवेज गुड बट अगर कोई टीचर बहुत ज्यादा लीनियंट है तो मे बी वो मार्क्स दे दें बट जो स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे वो ऐसा नहीं करने वाले हैं ना तो आपको सिर्फ एट क्वेश्चन आंसर करने हैं जस्ट राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर कि अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे हो जैसे आप आप सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो तो राइट सेकंड क्वेश्चन एंड देन जो भी आंसर है डोंट कॉपी पूरा क्वेश्चन आपको क्या करना होता है जैसे आपको पता है कि आपको सेकंड क्वेश्चन जो है आपने लिखा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है टू तो आप क्या करोगे आप इसको ऐसे लिखोगे क्वेश्चन देन यू विल राइट टू सपोज आप वन नहीं कर रहे हो अगर देन आपको लग रहा है आंसर मुझे सी लग रहा है राइट सी एंड mention जो भी ऑप्शन है दिस इज हाउ यू विल आंसर ऐसा नहीं कुछ भी लिख के आ जा रहे हो वन टू कोई भी नंबर चल रहा है नो no. ठीक है तो आपको आपका क्वेश्चन पेपर को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देनी है be vigilant. Now सबसे पहला दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द ऑथर वॉट फ्रॉम द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट लेसन बींग टॉट बाय नेचर इस पूरे पैसेज में अकॉर्डिंग टू जो भी ऑथर है जिन्होंने भी ये पैसेज लिखा है उनके हिसाब से नेचर आपको सबसे बड़ा लेसन क्या सिखाता है नेचर आपको सबसे बड़ा लेसन क्या सिखाती है बैलेंस्ड इन इमोशंस क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा था बिल्कुल पढ़ा था क्या लिखा हुआ था कि हमको बैलेंस करना चाहिए कि इक्विलिब्रियम ऑफ लाइफ मेंटेन करना चाहिए तो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बैलेंस दिया हुआ है ये सही है इमोशंस के बारे में बात की थी बिल्कुल बोला है ना जॉय फियर सॉरो है ना तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है बी पार्शियल टू जॉयज इन लाइफ ऐसा कुछ नहीं बताया ना कि मतलब तो पार्शियल टू जॉयज ये नेचर दे रहे हैं नहीं इट्स नॉट लाइक दैट सारे इमोशंस की बात की गई है सो अकेला इसकी बात नो अफ्रेड ऑफ अनहैप्पीनेस कहीं पे भी बताया क्या कि आप दुख से डरते हो या यू आर फियरफुल ऑफ अनहैप्पीनेस कहीं दिया हुआ है नहीं तो हम क्यों करेंगे उसको ज्यादा सोच विचार विमर्श करना ही नहीं है सोचना ही नहीं है उसके बारे में तो दिस इज रॉन्ग देन इन डिफरेंट टू फियर्स कहीं पर भी बात की गई है फियर्स के बारे में नहीं तो कहा क्यों सोचना है हम इन की बात करें या फिर हम ढूंढे कि क्या इसकी बात हुई है नो हमें पता है

यानी आपको देखो सीधे दे दिया है यानी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा तो एक काम करो ना देख लो कि आपको टोटल एट क्वेश्चंस आते हैं क्या जिनके पैराग्राफ्स मेंशन हैं और उन्हें क्वेश्चंस के लिए आप 100 परसेंट श्योर हो सॉल्व so, दैट अगर कोई क्वेश्चन है जो तो आपको पूरा पैसेज पढ़ने को बोल रहा है यू हैव एट क्वेश्चन जिसमें पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है पैरा पैरा पढ़ना है You can opt it. So, आपको अपने हिसाब से चूज करना है आप किमें ज्यादा कन्वीनियंट फील करते होते हो एंड कॉन्फिडेंट फील करते हो ठीक है तो इट्स नॉट लाइक आप फर्स्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो नो no. आपको टोटल एट क्वेश्चन सोल्व करने हैं डिपेंड्स आपको कौन से एट अच्छे लग रहे हैं पर प्लीज ऐसा मत करना और अब पूरा पैसेज पड़ेगा छह क्वेश्चन कर देता हूं बाकी के रहने दो नो डोट दिल गाट आपके लिए हर एक मार्क इंपॉर्टेंट है क्लियर तो क्या दिया हुआ है ऑप्शन चूज करो जो इसको कंप्लीट करेगा बेस्ड ऑन पैराग्राफ टू ठीक है अब आप क्या करो पैराग्राफ टू को एक बार देख लो पैराग्राफ टू कहता है समय के साथ एक छोटा पौधा या यंग ट्री भी जो है पूरे फुल ट्री में ग्रो करता है इतना छोटा डेलिकेट टाइनी कि इसमें डेवलप करता है एक स्ट्रॉन्ग ट्री में जो सबको सपोर्ट कर रहा है कितना भी बड़ा हो जाए ट्री कितना भी वो ग्रो कर जाए बट वो हमेशा अपने कितने भी एनिमल्स बर्ड्स को सपोर्ट करे बट हमेशा अपने रूट्स को नहीं भूलता है लाइक वो अपनी जमीन पर रहता है अपनी बिगनिंग्स को नहीं भूलता है लेसन क्या है दिया हुआ है

आई हैव डन वेल फॉर सेल्फ इन द स्कूल जो है स्टूडेंट वो बोलते हैं कि मैंने स्कूल में अपने लिए बहुत अच्छे से किया है सब कुछ लाइक मेहनत की है आई एम द बेस्ट दे हैव और मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ स्कूल में यानी मेरे स्कूल में कोई अगर उनके पास अच्छा स्टूडेंट है तो सबसे बेस्ट मैं हूँ आई कैन गेट एडमिशन एनी और मेरे को कहीं पर भी एडमिशन मिल जाएगा लाइक like, मैं तो एक यू नो स्कॉलर हूँ को सारे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं मेरे को सब कुछ आता है तो मुझे तो कोई भी स्कूल एडमिशन दे, दे, दे देगा बिकॉज दे वॉन्ट मी ज माई मोमेंट और यही मेरा एक पल है लाइक अचीवमेंट है इस पे सिड उनका कोई दोस्त है वो बोलता है कंग्रेचुलेशन बधाई हो जस्ट रिमेंबर वी शुड बट एक चीज याद रखना वी शुड क्या बिकम स्ट्रांगर डिस्पाइड आर वीकनेस हमें हमेशा अपनी आ, वीकनेस के बावजूद हमें कितनी भी हम कमजोर किसी चीज में हमें हमेशा स्ट्रांग बना चाहिए कहीं पे भी जय ने बोला क्या कि मैं वीक हूं मुझे स्ट्रांग बनना है नहीं एक कॉमन सेंस वो है सेकेंड थिंग क्या कहीं पे भी आपको पैराग्राफ में ये मैंशन है कि आप कितने भी वीक हो आपको स्ट्रांग बनना चाहिए ऐसा नहीं बोला ये बोला आप कितने भी स्ट्रॉन्ग बन जाओ आपको हमेशा अपनी बिगनिंग्स को याद रखना चाहिए समझ रहे हो तो ऑप्शन ए तो कैंसिल हो जाता है बी बी इज काइंड एंड सपोर्टिव टूवर्ड एवरी वन हमेशा हर किसी के प्रति काइंड रहो ग्रेटफुल रहो सपोर्टिव रहो आपको लग सकता है ये आंसर है है ना तो मत करो एलिमिनेट हमें सब चीजें एनालाइज करनी है रख लो इसको साइड में पढ़ो बाकी ऑप्शन भी ठीक है क्योंकि दिया है लाइक कितना भी ट्री किसी को सपोर्ट कर ले बट वो फिर भी अपने रूट्स को यू नो भूलता नहीं है असली बात ये है, बट आपने देख लिया है सपोर्ट वाला पॉइंट कोई बात नहीं आपको ये लग रहा है कीप इट। थर्ड इज रिस्पेक्ट द ओरिजिन फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन हमेशा आपकी जो बिगनिंग्स हैं, जो ओरिजिन है उसको हमेशा रिस्पेक्ट करो जहां से भी आप आगे बढ़ो परफेक्ट ये तो दिया ही है डायरेक्ट है दैट द लेसन रिमेन ग्राउंडेड है ना नर्चर वेल फ्रॉम द हमेशा हमको स्टार्टिंग से ही अपने आप को सही तरीके से ग्रो कराना चाहिए यू शुड नर्चर नोचा ऐसी कोई बात नहीं की गई है आपको बिगनिंग से क्या करना है ये दिया है आप कितने भी बड़े हो जाओ आपको अपनी बिगनिंग्स को नहीं भूलना है समझ रहे हो तो क्या दिया हुआ है बिकम डिस्पाइट डिस्पाइड वीकनेस और नर्चर तो कैंसिल हो जाता है नाउ बी काइंड एंड सपोर्टिव टुवर्ड्स एवरीवन एंड रिस्पेक्ट द ओरिजन फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन मैं सबसे बेस्ट हूं मेरे को कोई भी एडमिशन दे देगा स्कूल में और यही मेरी अचीवमेंट है क्या समझाएगा उसका दोस्त बहुत अच्छी बात है वेरी गुड कीप इट अप बट प्लीज अपनी बिगनिंग्स को मत भूलना लाइक like, आपको हमेशा अपने ओरिजिन को रिस्पेक्ट करने चाहिए होगा एक टाइम जब पेंसिल पकड़ना नहीं आती होगी सो यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट सो ये ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट है बिकॉज बी की बात यहाँ नहीं हो सकती क्योंकि ये लेसन है ही नहीं रिमेन ग्राउंडेड है लेसन समझ रहे हो तो यू हैव टू लाइक जस्ट एनालाइज करो इस तरीके से सो so, आपको मिल गया आपका आंसर सेकंड का आंसर क्या होगा सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी रिस्पेक्ट द ओरिजिन फ्रॉम वेयर वी हैव क्रो Clear? All right. Next इज चूज द ऑप्शन that बेस्ट conveys द मैसेज इन आई एम बिकॉज वी आर कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट लिखा हुआ है हो सकता है आपको दो ऑप्शन सही लगे उसमें से बेस्ट कौन सा है कौन सा ऑप्शन है जो इस पर्टिकुलर मैसेज को समझाता है मैं हूं बिकॉज हम सब हैं. आई एम बिकॉज वी आर टाइगर्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑनटलॉप ऑनटोलॉपर डिपेंडेंट ऑन टाइगर्स ह्यूमस अब देखो क्या ये आई एम जो है आई एम वो सिर्फ टाइगर्स के लिए बना है सिर्फ ऑनटोलॉक्स के लिए बना है सिर्फ ह्यूमन के लिए बना है नहीं सिर्फ टाइगर्स बोलोगे तो ऑनटलॉग्स भी तो था उसमें उनके लिए भी बना है वो भी डिपेंडेंट है टाइगर्स में सिर्फ ऑनटलॉग्स बोलोगे तो टाइगर भी तो डिपेंडेंट है उसके लिए भी बना है ऑल्सो सिर्फ ह्यूमन्स कैसे बोलोगे एनिमल्स भी डिपेंडेंट है हम पे कहीं ना कहीं है ना नेचर भी हम पे डिपेंडेंट हम उसका केयर करें हम उसका ध्यान रखें समझ रहे हो तो वही चीज है यहाँ पर ये तीनों का एक्सेप्ट ऐसे यू नो सेपरेशन की बात

पोम पढ़ोगे तो हेल्प करेगा आपको है ना? बाकी सारी पहले से पढ़ रहे हो साइंस में तो यूज दैट इट शुड लाइक अरे कौन सा आ गया? मैंने थोड़ी पढ़ के गया था नो no, है ना तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री का ऑप्शन नंबर डी हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है नेक्स्ट इज वट क्वालिटीज डू द बर्ड्स एंड डिस्प्ले दे ऑफ पॉसिबल डेंजर चूज वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दिया हुआ है ना कि कभी भी स्कूर या बर्ड्स को दिखता है कोई प्रिडेटर तो वो क्या करते हैं एक अलार्म कॉल यू नो सेट करते हैं मतलब अलार्म ऐसे सेट नहीं करते मोबाइल की तरह लाइक like, वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक अलार्म कॉल होता है बाकी उनकी स्पीशीज या क्रीचर्स के लिए कि भाई कोई आया है हमें बच के रहना है शिकार शिकारी से प्रिडेटर से है ना तो वही चीज़ है कि बर्ड्स और स्कूल्स जब अपने दोस्तों को या अपने साथियों को या अपनी फैमिली को अलर्ट करते हैं इससे आपको क्या समझ आ रहा है like, क्या क्वालिटी दिखती है आपको ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड अलर्टनेस कि भाई स्क्विरल्स और बर्ड्स जो है, वो उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बड़ी अच्छी हैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं और अलर्ट रहते हैं ये थोड़ी सिखा रहे हैं हमको कि आप ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी अलर्ट रहना है आपको नहीं आपको क्या सिखा रहे हैं ऑप्शन ए आई डोंट थिंक सो आपको भी क्लियर हो रहा होगा टेंडेंसी टू गेट इजिली फ्राइटेड एकदम से जल्दी से डर जाते हैं ये लोग अरे कोई भी डरेगा अगर आपको भी पता चल रहा है कि कोई आपकी तरफ यू नो शूट करने वाला है तो आपके खड़े रहोगे कि नहीं मुझे डर नहीं लगता नहीं आप ऑब्वियसली भागोगे ना या बोलोगे मम्मी मम्मी पापा पापा सो दैट इज समथिंग टेंडेंसी टू गेट इजीली फ्राइटन नो थर्ड इज सेल्फलेस असिस्टेंस टू हेल्प अदर सेल्फलेस मतलब सेल्फिश का ऑपोजिट यानी सेल्फिश ना होना खुद के बारे में ना सोचकर वो दूसरों को असिस्ट करें असिस्ट का मतलब क्या होता है किसी को सपोर्ट करना किसी का यू you नो know, साथ देना असिस्टेंट का, का काम क्या होता है वो अपने बॉस जिसके भी वो असिस्टेंट है उसको सपोर्ट करते हैं उनको

to help others done okay next is select the option with the underlined words that can suitably replace looking concept paragraph with your wife. फोर्थ में तो लॉकिंग पढ़ लो एक बार टाइगर द जू पढ़ चुके हैं हाइड करना पीछे छुपे रहना सो so, यहां दिया हुआ है ऑफ द लॉकिंग डेंजर यानी ऑफ द हाइडिंग डेंजर है ना तो so, जहां पर भी जो भी सेंटेंस में ये मीनिंग मिल रहा होगा छुपा हुआ दैट वुड बी योर आंसर अब ये ऑप्शन बहुत ईजी है पता है कैसे देखो अब हम एलिमिनेट करते हैं लेट्स गो टू द क्वेश्चन देखो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है द पुलिस मैन पुल्ड अप द पर्सन हु वॉज वैंडरिंग एमलेसली थ्रू द सिटी क्या दिया हुआ यहाँ पे पुलिस मैन जो है ठीक है उन्होंने एक पर्सन को पकड़ा किस पर्सन को पकड़ा जो कि ऐसे ही घूम रहा था मतलब एमलेसली उसका कोई एम नहीं था ऐसी बस भटक रहा है वैंडरिंग मतलब ऐसे भटकना ठीक है तो वो सिटी में ऐसे ही भटक रहा था पुलिस ने उसको पकड़ा मतलब ये पर्सन दिख रहा होगा ना तभी पकड़ा ना कि मतलब आंखें थी लेजर वाली कि नहीं दीवार के पीछे कोई छुपा है मैं भी जाके पकड़ूंगा नहीं मतलब ये दिख रहा था अब यहाँ पर दिख रहा है कोई चीज तो वो लॉकिंग कैसे हुआ इट इज नॉट हिडन तो ऑप्शन ए में अगर आपको लॉकिंग का मतलब नहीं भी पता ना चलो ठीक है हम एक बात करते हैं यानी यहाँ पर पर्सन दिख रहा था डन द थीफ न्यू चोर को पता था दैट रिमेनिंग हिडन द बेस्ट टू अवॉइड कॉट चोर को पता था को पता था कि अगर वो छुपा रहेगा तो वो बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी उसकी सबसे अच्छी चालाकी होगी जिससे वो पकड़ा नहीं जाएगा यानी यहां पर छुपने की बात की गई है या दिखाने की बात की गई तो हम ना प्लस लिख देते हैं कि कोई दिख रहा है और माइनस लिख देते हैं कोई हिडन है थर्ड इज द पुलिस मैन वॉज कॉटन कैमरा वाइल पाउंसिंग विद फोर्स टू ग्रैप द फ्लिंग कल्प्रेट पुलिसमैन जो है उसने कैमरा पुलिस मैन को कैमरा पे देख लिया गया था कि उसने क्या किया एकदम से वो झपट्टा मारते हैं ठीक है थीके? तो एकदम से वो कूदा फोर्स टू ग्रैब द मतलब जो भाग रहा था ठीक है भागने की कोशिश कर रहा था कल्प्रेट मतलब जिसने भी क्राइम कमिट किया होगा गलती की होगी तो यहां पर पुलिस मैन को कैमरा में देख लिया था कि वो एकदम से यू नो उस सेल्प्रेट को पकड़ लेते हैं यानी यहां पे पकड़ा गया अगेन वो विजिबल था ठीक है पुलिस मैन भी विजिबल ये भी विजिबल the is the thief was walking boldly into the house thinking it was devoid of residence अब जो चोर है जो थीफ है उसको लगा ऐसा कि जो घर है इट वॉज यानी वहां पर कमी थी किसकी रेसिडेंस की वहां कोई रह नहीं रहा था घर खाली है तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा ऐसे बोल्डली वॉक कर रहा था यानी कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि कोई है ही नहीं तो मेरे को पकड़ेगा कौन है ना तो इसीलिए यहाँ पर वॉकिंग बोल्डली मतलब वो छुपा हुआ था नहीं बिल्कुल सामने आके यूँ जा रहा था घर के अंदर कि कोई है ही नहीं तो मैं चोरी कर लूंगा आराम से तो यहाँ पे भी विजिबल है यानी तीन ऑप्शन में विजिबिलिटी है एक ऑप्शन में छुपने की बात की गई है एक ही तो अलग है दैट इज गोइंग टू बी एक्टिंग यू नो एज एन आंसर किसका लॉकिंग का अदरवाइज ऑल्सो लॉकिंग का मीनिंग आपको पता ही है टाइगर की बात की हुई है हमने कि वो छुपा रहता है यू नो पीछे में सो रिमेनिंग हिडन सीधे सीधे दिया हुआ है आंसर तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है अगर आपको नहीं भी क्लियर होना है ना तो अंडरलाइन वर्ड को यहाँ पर रिप्लेस करके देख लो देखो आपको क्या दिया हुआ है लॉकिंग डेंजर वैंडरिंग एमलेसली डेंजर नहीं हो रहा ठीक है सेकंड इज रिमेनिंग हिडन रख के देखो लॉकिंग की जगह रिमेनिंग हिडन डेंजर यानी कि जो छुपा हुआ

Right. डर नहीं है क्योंकि स्मोक प्लस फॉग है ना पता होगा ब्लैंडेड वर्ड पता है ना भी एक पैराग्राफ में उसी पे क्वेश्चन है स्मोक प्लस फॉग को कहते हैं स्मोग इज अ ब्लैंड ऑफ वर्ड ये दो वर्ड से मिलकर बनाए स्मोक फॉग इन विच पार्ट ऑफ मल्टीपल वर्ड्स आर कंबाइंड इन टू अव वर्ड हाँ ठीक है तो दो वर्ड को मल्टीपल वर्ड लेते हैं उसको मिलाकर एक वर्ड बनाया जाता है डन ओके फ्राम द ऑप्शन गिवन बिलो सिलेक्ट पॉट मैं वर्ड दैट अपियस इन द पैराग्राफ सिक्स देखो या तो आप एक काम करो पैराग्राफ सिक्स में देख लो भाई ये सारे वर्स गिवन है कि नहीं गिवन है वन नंबर टू या फिर या आप सीधे सीधे पढ़ो और ये देखो क्या दो वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाए गए ठीक है तो को एग्जिस्टेंस अलग अलग ही है बट दिस इज नॉट अ ब्लैंड वर्ड है ना कुछ भी गायब नहीं किया है इट्स लाइक को एन एग्जिस्टेंस दोनों का अपना अपना मीनिंग है

नेक्स्ट इज सिलेक्ट क्वालिटीज फ्रॉम पैराग्राफ थ्री ऑथर वॉन्स टू इम्बाइप बी तो ऑथर हमको पैराग्राफ थ्री में क्या सिखाना चाह रहे हैं लाइक like, आपको क्या होना चाहिए इनमें से आपको क्या क्वालिटीज अपने अंदर इम्बाइप करनी है यानी कि आपको एक्सेप्ट करनी है अपने अंदर लानी है ठीक है अब आपके पास दो तरीका है या तो पैराग्राफ पढ़ लो सीधे वर्ड्स देखो और एलिमिनेट करो या फिर ऑप्शन देख लो कौन कौन सी क्वालिटीज की बात की गई है जस्ट चेक दैट है ना कि कोई तो क्वालिटी होगी जो सारे ऑप्शन में होगी तो मतलब वो हमको क्लियर हो जाएगा कि भाई इसको इस पर ज्यादातर दिमाग नहीं लगाना अपना खर्च नहीं करना दिमाग है ना तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो आपके पास दो तरीके एक तो पैराग्राफ पढ़ लो क्वालिटीज देख लो दूसरा ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर लो आई पर्सनली लव एलिमिनेशन मेथड और यही फॉलो करना चाहिए एमसीक्यूज में तो पहले मेरा तरीका अपनाएंगे है ना तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है टू फोर फाइव वन थ्री फोर वन फोर फाइव थ्री फोर फाइव लिख लेते हैं यहाँ पर देखो फोर और फाइव आपको तीन ऑप्शन में फाइव दिया हुआ है है ना और जिस ऑप्शन में फाइव नहीं दिया है, उसमें फोर दिया यानी देखो बाकी में भी दिया हुआ है और डी में भी तो फोर तो आपका आंसर होने ही वाला है जस्ट कीप इट है नेक्स्ट अगर फाइव हुआ तो ऑप्शन बी हट जाएगा फाइव नहीं हुआ तो ऑप्शन भी आपका आंसर होगा मेहनत ही नहीं लगेगी चलो फाइव को भी चेक कर लेते आप क्या करो जस्ट चेक दिस फोर एंड फाइव बाकी देखो आपको पढ़ना पड़ेगा है ना वन टू थ्री वो क्लियर हो जाएगा देखो क्या दिया हुआ है फोर और फाइव में आपको दिया हुआ है रेजिलियंट परसेप्टिव रेजिलियंट का मतलब कितना भी टफ टाइम हो कितनी भी डिफिकल्टीज आपने देखी या फिर भी उससे उभर जाओ लाइक यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू कम आउट इवन आफ्टर द डिफिकल्ट सिचुएशन है ना कुछ भी खतरनाक भी हो जाए कुछ भी हो जाए आपके साथ फेलियर हो जाए आप फिर भी उससे बाहर आ जाते हो एंड यू आर लाइक अ वॉरियर फिफ्थ जो है वो है वो का मतलब आपको चीजों को देखना आना चाहिए लाइक यू यू शुड हैव दैट नो बोलते हैं ना इनर इनराइज कि आप किसी चीज को समझ पाओ लाइक like, हम कह सकते हैं यू शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग तो यहाँ पर रेजिलियट यानी स्ट्रॉन्ग परसेप्टिव यानी अवेयर दो वर्ड्स में आपको रेजिलियट तो पक्का ही बोला है फोर्थ तो है ही परसेप्टिव देख लेते हैं कि नहीं है एक मैसेज है ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस मैं हूं बिकॉज हम सब हैं नेचर हमको ये हर एक क्रीचर को एक चांस देता है टू एग्जिस्ट एंड एग्जिस्टेंस हर एक क्रीचर का दूसरे एक क्रीचर पे डिपेंड करता है टाइगर ईट्स द ऑनटोलॉप टाइगर ऑनटोलॉप को खाता है ठीक है क्योंकि अगर ऑनटोलॉप नहीं होगा तो टाइगर नहीं बचेगा और अगर टाइगर नहीं होगा तो ऑनटोलॉप का नंबर बढ़ जाएगा नंबर बढ़ जाएगा तो खाना कम पड़ेगा और उनकी भी डेथ हो जाएगी यही बोलना चाह रहे हैं हम ऑलरेडी समझ चुके हैं यानी आपको यहाँ पे ये चीज जो है देखनी पड़ेगी क्योंकि हमको क्या लगता है बेचारा टाइगर ये बेचारा ऑनटोलॉप खा गया टाइगर उसको शर्म नहीं आती उसको खाना चाहिए किसी को नहीं नहीं बोल सकती है, है ना क्यों क्योंकि आपको देखना पड़ेगा ये फूड चेन है अगर टाइगर नहीं खाएगा तो क्या होगा टाइगर की डेथ हो जाएगी टाइगर का नंबर कम हो जाएगा ऑलरेडी हम टेंशन में उस में उस बारे एंड अगर टाइगर नहीं होगा तो ऑनटोलॉप्स की भी डेथ होने वाली है है ना बहुत नंबर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा जाएगा फाइनली उनकी भी डेथ हो जाएगी तो हुआ क्या आपको ये चीज देखनी पड़ेगी तो क्या आपको परसेप्टिव होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए यानी आपका फोर और फाइव दोनों ही सही है क्लियर अब देखो आपके पास कौन से ऑप्शन है फोर और फाइव दोनों ऑप्शन आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन में नहीं है यानी बी आपका एलिमिनेट हो जाता है है ना अब बच रहा है ए सी डी एसीडी डी में देखो टू वन थ्री वन टू थ्री आपको सारे चेक करने पड़ेंगे चलो ठीक है देख लेते हैं पैराग्राफ पढ़ चुके हैं सीधे सीधे 1, 2, 3 पढ़ लो आपको फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि मैं हूं बिकॉज हम सब हैं आप हो बिकॉज हम सब हैं ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी येस तो एक्सेप्टिव तो बिल्कुल परफेक्ट है वन को रखो बिल्कुल वन फोर फाइव तो हमको क्लियर दिख रहा है पैशनेट होना चाहिए पैशनेट का मतलब बिल्कुल वो जुनून होना चाहिए जुनून की बात की गई है यहाँ पे पैशनेट की बात की है की ही नहीं है तो क्यों सोच रहे हो तो टू तो हो ही नहीं सकता थर्ड इज इमोशनल आपको इमोशनल होना चाहिए नहीं बोला गया इमोशनल होना है इमोशनल होते तो टाइगर के लिए बुरा सॉरी ऑन्टोलॉग के लिए बुरा लगता आपको है ना बट यहां हम प्रैक्टिकली अगर सोचेंगे राशनली सोचेंगे तो हमको क्लियर होगा कि भाई जरूरी है टाइगर का फूड चेन को फॉलो करना यानी कि इमोशनल भी सही नहीं है कितना ईजी क्वेश्चन है तो आंसर क्या हो जाना चाहिए भाई टू और थ्री नहीं हो सकते वन फोर फाइव लेट्स कहा दिया हुआ है यू हैव इन ऑप्शन नंबर सी तो यही है आपका आंसर क्या वन फोर फाइव तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अब आप बैठ के पैराग्राफ पढ़ोगे फिर हर एक वर्ड को समझोगे तब तक सुबह हो जाएगी अगला पेपर आ जाएगा क्या करोगे है ना तो इसीलिए आपको क्या करना है या तो भैया ये क्वेश्चन को साइड में रख दो कि मैं बाकी के नाइन में से एट क्वेश्चन चूज कर लूंगा अगर आपको आते हैं अदरवाइज आपको एलिमिनेशन मैथ फॉलो करना है जस्ट डू दैट ठीक है तो इन डिटेल हम पेपर इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको पता हो आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वहां बैठ के ये सब डिटेल वाली चीजें करोगे वहां पहली पहली बार जाके पेपर को देखोगे पहली बार ऐसे क्वेश्चन सोल्व करोगे

फिर समर चला जाता है फिर कुछ सीजन आता है कभी बारिश होती है वो चली जाती है कभी ठंड पड़ जाती है मतलब ऐसा क्यों है कहीं बर्फ गिर रही है कहीं नहीं गिर रही है ऐसा क्यों है एक नहीं हो सकता क्या सीजन मतलब हमको नहीं अच्छी लगती गर्मी हमको ठंडी अच्छी लगती वही क्यों नहीं है क्योंकि चेंज जरूरी है लाइफ में है ना सिर्फ ठंड होती रहेगी ठंड होती रहेगी बोर हो जाओगे फिर बोलोगे खुद ही कि काश गर्मी का सीजन आता सिर्फ बारिश होती रहेगी बारिश कब तक पकौड़े एंजॉय करोगे ना बोर हो जाओगे कभी ना कभी तो कि क्या है बारिश बंद क्यों नहीं हो रही है कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकता रेनकोट तक खराब हो गया है पानी अंदर एंटर कर रहा है मतलब इतनी सारी चीजें आएंगी ना दिमाग में तो सीजन का चेंज होना जरूरी है पर सिखाता क्या है चेंजिंग ऑफ सीजन या सीजन यू you नो know, जो डिफरेंट डिफरेंट सीजन आते हैं वॉट द टीच यू द ब्यूटी ऑफ नेचर इससे हमको नेचर की ब्यूटी का पता चलता है भाई वो तो हर एक सीजन में पता चल जाता है ना है ना सिर्फ सीजन चेंज होंगे तभी पता चलेगा या क्या सिर्फ सीजन ही ब्यूटी बताते हैं और भी तो चीज़ें इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं ब्यूटीफुल फ्रूट्स हैं इतने ब्यूटीफुल डार्जिलिंग कलर्स हैं इतने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर होते हैं तो ये सारी चीज़ें भी तो हमको सिखाती है ना ब्यूटी ऑफ नेचर तो ऑप्शन ये तो नहीं है नेचर्स क्रिएटिविटी वाह नेचर क्या क्रिएटिव है मतलब सब आता है उसको कभी समर आ जाता है कभी विंटर आ जाता है कभी क्या मतलब नेचर कितना क्रिएटिव है क्रिएटिविटी सीजन के चेंज में पता चलती है इतने डिफरेंट कलर्स हैं इतने डिफरेंट फ्रूट्स हैं वेजिटेबल्स हैं इतने डिफरेंट टेस्ट हैं आप कोई भी प्लक करके फ्रूट खा सकते हो किसी फ्रूट को आप डायरेक्ट नहीं खा सकते हो विद द यू नो जो भी कवरिंग है तो ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी हुई ना सीजन चेंज करना क्रिएटिविटी हो गई नेक्स्ट ऑल सीजन आर इक्वल कि भाई हर सीजन को हम इक्वली नेचर देखता है बिल्कुल पार्शियल नहीं है नेचर कि नहीं गर्मी को बुरा नहीं लगना चाहिए ना कि मैंने ज्यादा टाइम ठंड को रखा या बारिश को बुरा नहीं लग जाना चाहिए कि ऐसे कैसे दो दिन बारिश हुई आपने सीधे सीधे समर सीजन को बुला दिया नहीं ऐसे थोड़ी होता है पार्शियलिटी या यू नो इम की बात हो रही है नहीं और पूरे पैसेज में कहीं बात नहीं की गई है ये तो ढूंढो कि पैसेज में क्या है डी इज नथिंग लास्ट फॉर कोई भी चीज़ हमेशा के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है बिल्कुल यही चीज सिखाई गई है ना कि कोई भी चीज़ लगातार वैसी नहीं होती है बोलते ना समय बदलता है अगर आप हमेशा ही यू नो you know, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते रहे हो आपको कभी भी कोई चीज एक बार में नहीं मिलती है आपको ऐसा तो लगता है कि मैं ही क्यों मतलब कभी पास नहीं होता हूँ क्या पता कभी आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए और वो सारे फेलियर्स आपके लिए उसी चीज के लिए एक स्टेप्स हो है ना हो सकता है आप हमेशा सक्सेस देख रहे हो सक्सेस देख रहे हो तो आपको लग रहा है आप तो मैं कभी हारूंगा ही नहीं जिंदगी में हो सकता आप इतना बड़ा फेलियर देख लो कि आप सीधे फर्स्ट स्टेप पे आ जाओ सो यू नेवर नो नथिंग लास्ट फॉर और यही है जो आपको सिखाता है क्या चेंजिंग ऑफ सीजन की कोई भी चीज एक जैसी नहीं रहती है आपको हमेशा बदलाव देखने को मिलेंगे चेंजेस आर और वही बताया है डन ओके नेक्स्ट इज व्हाट द राइटर एडवाइस इन पैराग्राफ पैराग्राफ चलो भाई paragraph 6 पढ़ लेते हैं या तो ऑप्शन पढ़ के पैराग्राफ पढ़ लो या पैराग्राफ पढ़ के ऑप्शन पढ़ लो आपके ऊपर है आपको जैसा सही लगता है ठीक है इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वही फॉलो करना है आपको अच्छा लग रहा है ऑप्शन पढ़ना पहले पढ़ लो फिर पैराग्राफ पढ़ लो ऐसे छोटू सा तो पैराग्राफ है पैराग्राफ अच्छा लग रहा पढ़ना पढ़ लो फिर ऑप्शन पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं चलो पैराग्राफ पढ़ते हैं क्या दिया है सिक्स्थ पैराग्राफ कीप इन माइंड लाइफ इज अबाउट मेकिंग लिस्ट एंड ट्राइंग टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स लाइफ सिर्फ लिस्ट बनाना और एक दूसरे से आगे बढ़ना नहीं होता है लाइफ इज टू लिव आपको जीना चाहिए अपनी लाइफ में टेक अ ब्रेक स्टॉप बीइंग अ वर्कहोलिक एक ब्रेक लो एक छुट्टी लो ब्रेक तो बनता है स्टॉप विंग अ वर्क सिर्फ काम 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 ऐसा नहीं होना चाहिए काम करना बहुत जरूरी है सिर्फ सिर्फ चिल, चिल 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 नहीं चलता है ना दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के रखना है तो एक बार ब्रेक लो स्टॉप विंग अ वर्काहले सिर्फ काम मत करते रहो स्मेल द रोजेज डू वट एवर मेक्स फील्स यू यू नो वट एवर मेक्स यू फील, you know, फील हैप्पी रोजेज को स्मेल करो नेचर को सोक इन करो पॉजिटिविटी देखो नेचर की आपको जो अच्छा लगता है वो करो कभी ना कभी एंड मोस्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो और वहां से अच्छी अच्छी चीजें सीखो क्लियर है बहुत प्यारा पैराग्राफ है चलो पढ़ते हैं इंडल्जिंग इन कॉम्पिटिशन विद अदर्स क्या एडवाइस दी गई है दूसरों के साथ कॉम्पिटिशन करो नहीं करो है ना तो ऑप्शन ए तो सीधे सीधे एलिमिनेट मेकिंग प्रायोरिटी लिस्ट प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ लाइफ इज नॉट अबाउट मेकिंग लिस्ट तो लिस्ट ही लिस्ट मत बनाते रहो तो ये भी सजेशन नहीं है ऑथर का टेकिंग लाइफ सीरियसली चिलपिल ऐसा बोल रहे हैं उस पैराग्राफ में यू शुड टेक अ ब्रेक इसका मतलब क्या है लाइफ को इतना सीरियस मत लो कि नहीं मतलब एक मिनट के भी काम नहीं करूंगा तो मेरे पैसे चले जाएंगे क्या होगा मेरी जिंदगी में अरे थोड़ा जियो तो पैसे का लिए कमा रहे हो है ना तो थोड़ा बहुत चिल करना और काम करना इंपॉर्टेंट है दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए हैविंग फ्री फ्री टाइम टाइम फॉर बिल्कुल परफेक्ट निकालो टेक अ ब्रेक इसका यही मतलब है सीधे सीधे आंसर मिल रहा है बड़ा ही आसान क्वेश्चन है नाइन्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डन ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस या इस पैसेज का चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द कोर्ट बेस्ट एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज कोर्ट वाले क्वेश्चन पे मतलब इतने किए ना पन्ने एमसीक्यू में कि अब आपको आदत हो गई होगी कोर्ट कहीं पे भी दिख जाएगा आप डरोगे नहीं है ना हाँ कोई बात नहीं कोर्ट तो सीधे सीधे बता ही देता है क्या मतलब है क्लियर तो कोर्ट वाले क्वेश्चन हेल्प कर रहे हैं आपको भली लिटरेचर में ना करें यहाँ पे कर देंगे सो हमेशा हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोलती हूँ हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्योंकि कुछ भी आ सकता है मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको ऐसी लगेंगे ऐसा लग रहा है मैम ने पेपर बनाया हुआ है बस शब्द अलग है फॉर्मेट वही है तो आपको इसीलिए हर एक चीज जो है ध्यान से देखनी है हर एक वीडियो में क्या दिया हुआ यहाँ पे कौन सा कोट है जो पूरा पैसेज समझाता है अब आपके पास दो क्वेश्चन थे जिसके लिए आपको यू you नो know, थोड़ा ऐसा लग रहा होगा तीन क्वेश्चन थे जिसमें से दो क्वेश्चन के लिए आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ा पूरा पैसेज और एक कोई क्वेश्चन था जिसमें आपको वो ऑप्शन देखने थे वर्ड्स के अब आपके ऊपर चॉइस ही चॉइस है आप कुछ भी करो या तो पूरा पैसेज पढ़ लो बहुत ही ईजी पैसेज और ये कोर्ट वाला क्वेश्चन कर लो अदरवाइज जस्ट सॉल्व दैट ऑप्शन वाली क्वेश्चन सो नेचर से नो मिस्टेक नेचर जो है वो कभी भी किसी भी गलती को माफ नहीं करती है हर ये इज ये हर ने कूल है ना उसका नेचर का जो यस है वो यस है जो नो है वो नो है नो मीनस नो no, है ना सो so यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ना नेचर शी पार्स नो मिस्टेक्स क्या यहाँ पे ऐसा कुछ दिया है कि नेचर किसी को माफ नहीं करती कोई गलती माफ नहीं करती ऐसा कुछ नहीं बोला है लुक डीप इन टू नेचर नेचर में ध्यान से देखो एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग थिंग बैठो फिर आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ आएगी बिल्कुल यही चीज बोली है कि आपको नेचर को ध्यान से देखना चाहिए ताकि आप इन वैल्यूबल लेसन सीख पाओ तो बी तो बिल्कुल सही है नेचर नेवर डिसीव आस नेचर हमें कभी भी धोखा नहीं देती है इट इज वी हु डिसीव आर बल्कि हम अपने आप को धोखा देते हैं क्या कहीं पे भी पैसे में दिया हुआ है कि आप किसी को धोखा दे रहे हो खुद को धोखा दे रहे हो नेचर धोखा नहीं दे रही है किसी की बात ही नहीं हुई है डी ऑल द द ऑफ़ वर्ल्ड कैन बेस्ट बी फॉरगॉटन इन द ब्यूटी ऑफ नेचर पूरी दुनिया की जो भी अगलीनेस है उसको आप भूल सकते हो नेचर के यू you नो know, ब्यूटी ऑफ नेचर देखकर तो यहाँ पे ब्यूटी ऑफ नेचर नहीं बोला जा रहा है यहाँ बताया जा रहा है नेचर से इंपॉर्टेंट लेसन जो आप सीख सकते हो छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी से बड़ी चीज जो भी आप सीख सकते हो वो आप नेचर से सीख सकते हैं तो ऑप्शन बी वो दिखा रहा है जो आपके पैसेज में दिया हुआ है अपनी मर्जी से जो अच्छा लग रहा है कोट वो नहीं करोगे ठीक सो ऑप्शन नंबर बी है कि नेचर में ध्यान से देखो और आपको समझ आएगा हर एक चीज़ बेटर सेट बाय वेरी 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 वेल नोन पर्सन ऑनरेबल पर्सन So, B, से देखो आपको हर एक चीज समझ आई सो दिसन एक्स तो ये दस क्वेश्चन थे इजी। आई नो टाइम लगा है बिकॉज हम उसको अच्छे से समझ रहे एग्जाम में तो यू होगा आप अगर आप समझ गए सेकेंड पैसेज अब इस पैसेज में भी बेस्ट चीज ये है कि आपको पैराग्राफ में गिवन है और जो ये सेकेंड पैसेज है ना इसमें आपके लिए सबसे बेस्ट होगा वैसे पैसेज में सबसे बेस्ट यही होता है ऑप्शन पढ़ो फिर पैसेज पे जाओ ठीक है बट देन टू अगर आप ये पूरा पैसेज भी पढ़ लेते हो देर इज नो इशू बिकॉज मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन में इसमें पैराग्राफ मैं नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप ढूंढो इससे अच्छा सबसे अच्छी बात है आप इस पूरे पैसेज को पढ़ लो देन मूव ऑन टू द वो तो पैसेज पूरा पढ़ना है कि पहले ऑप्शन पढ़ने हैं ये डिसाइड करो क्वेश्चन पढ़कर कि क्या क्वेश्चन में पैसेज या पैराग्राफ नंबर मेंशन है तो तो मैं सीधे सीधे उस पैराग्राफ को पढ़ के वो question कर लेता हूँ अदरवाइज अगर मुझे ही नहीं है तो फिर तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा ना राइट right? तो हम ना सीधे सीधे सारे पैराग्राफ्स पढ़ लेते हैं इसको देख के ऐसा लगेगा कि ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट पैसेज है बट बहुत आसान है बिकॉज आप क्या करोगे ना आप छोटे छोटे वर्ड्स को पकड़ के बैठ जाओगे कि इसका मतलब मेरे को पता ही नहीं है फिर मेरे को क्या कुछ समझ ही नहीं आ रहा अरे मीनिंग समझो कि एक्जैक्टली exactly क्या आपको यू you नो know, एक जस्ट मिल रहा है एक सबस्टेंट सबस्टेंस मिल रहा है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का तो आपको वही चीज करनी है जस्ट रीड दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हर एक वर्ड नहीं बट एटलीस्ट पूरा मीनिंग सबसे पहले बोला गया है रिसर्च फ्रॉम द पब्लिशर्स एसोसिएशन हार्श शोन यानी कुछ तो है जिसकी रिसर्च की बात हो रही है दैट फिल्म्स बेस्ड ऑन बुक्स जो भी मूवीज बुक्स पे बेस्ड होती हैं कई मूवीज है हमने देखी हैं राइट right? जो बुक्स पे बेस्ड होती है और वो बहुत ब्यूटिफुल होती हैं टेक फोर्टी फोर परसेंट मोर एट द बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू तो जो भी बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू मतलब जो भी पैसे कमाती है मूवी ठीक है जो भी ओवरऑल रेवेन्यू uh, बनता है उसकी बात हो रही है फोर्टी फोर परसेंट ज्यादा पैसे कमाते हैं वो अगर मूवीज को वो बुक्स पे बेस्ड बनाते हैं इन द यूके कहा की बात हो रही है यूनाइटेड किंगडम यूके की एंड फिफ्टी थ्री परसेंट मोर वर्ल्ड वाइड देन ओरिजिनल स्क्रीन प्लेस और पूरे वर्ल्ड में अगर रेवेन्यू की बात करें तो फिफ्टी फाइव फिफ्टी थ्री परसेंट ज्यादा होता है अगर फिल्म बुक्स पे बेस्ड होती है ठीक है देन द ओरिजिनल स्क्रीन प्ले स्क्रीन प्ले मतलब जो मूवी चल रही होगी स्क्रीन पे ओरिजिनल मतलब जो किसी बुक पे बेस्ड नहीं है वो स्क्रिप्ट किसी दूसरे राइटर ने लिखी हुई है उनकी स्क्रिप्ट है उस पर बेस्ड मूवी मतलब उसके पहले कभी भी वो स्टोरी किसी ने सुनी नहीं है उसे कहते हैं ओरिजिनल स्क्रीन प्ले तो यूके में और वर्ल्ड वाइड में कितना परसेंटेज बढ़ जाता है अगर मूवी बुक के ऊपर बेस्ड होती है वो रिसर्च की किसने पब्लिशर्स एसोसिएशन ने बहुत आसान है ओके द रिपोर्ट एक्सप्लोज वॉट इम्पैक्ट बुक हैज हैजन अडेप्टेड फॉर फिल्म एंड टीवी क्या दिया हुआ है ये जो रिपोर्ट है ना वो हमें क्या बताती है कि कैसे बुक का इम्पैक्ट होता है अगर वो जो फिल्म है अगर वो फिल्म बुक से अडाप्टेड होती है या टीवी अगर बुक से बुक पे अडेप्टेड होती है यानी जो भी स्टोरी चल रही है अगर वो बुक पे बेस्ड होती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है या फिर अगर बुक से अगर हम मूवी यू नो बनाता है कोई भी या टीवी का सीरियल बनता है बुक पे बेस्ड तो बुक पे भी क्या इंपैक्ट पड़ता है वो भी आपको पता चलेगा तो मतलब एक जो कनेक्शन है ना बुक का और मूवीज का या बुक का और सीरियल्स का उसकी बात हो रही है ठीक है तो यहाँ पर पहला वाला पैराग्राफ में तो कुछ भी नहीं है सब बड़ा आसान है आपको बस ये पता चल गया कि अगर मूवीज बुक पे बेस्ड होंगी तो ज्यादा पैसे कमाएंगी और अगर नॉर्मल होंगी तो थोड़े कम पैसे कमाएंगी क्लियर ऑल राइट

टॉप पे चली हैं जितनी भी यू you नो know, हमेशा सक्सेसफुल हुई हैं हिट हुई हैं वो सब 52 परसेंट जो है वो बेस्ड किस पे हैं पब्लिश मटेरियल यानी बुक्स पे इन द लास्ट टेन ईयर्स मतलब जब भी ये रिपोर्ट दी गई है ना उससे दस साल जो पहले का अंतराल है जो टाइम पीरियड है उसमें ये चीज़ देखी गई है एंड अकाउंट्स फॉर एन इवन हायर शेयर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दीज लीडिंग परफॉर्मर्स और इवन हायर शेयर ऑफ रेवेन्यू यानी बल्कि इससे ज्यादा पैसे कमा लेते हैं वो ठीक है फ्रॉम दीज लीडिंग परफॉर्मर्स एट 61% वन परसेंट ऑफ यूके बॉक्स ऑफिस ग्रॉस एंड सिक्स परसेंट ऑफ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस तो मतलब ये जो है एक हायर शेयर ऑफ रेवेन्यू देता है दैट्स इट आपको नहीं जाना है ग्रॉस मतलब एक ओवरऑल एवरेज ठीक है आपको नहीं बोला गया है कि ग्रॉस का मतलब टोटल है आपको पता होना चाहिए कितना परसेंट नहीं जस्ट कीप इन माइंड ठीक है बुक्स पे बे बेस्ड होंगी मूवी बहुत अच्छा करेंगी द हॉलीवुड दॉलीवुडेशन ऑफ माई कजिन रेशल वॉज शोन टू हैव है ऑन द सेल्स ऑफ द डेफने डू मोरियर थ्रिलर अब आपको ये नहीं सोचना है मैंने तो माई कजिन रेशल पढ़ी ही नहीं है मैंने तो कभी डेफने डू मॉरियर थ्रिलर मूवी देखी ही नहीं है मैं तो हॉलीवुड मूवीज देखता ही नहीं हूँ तो मैं से आंसर करूं आपको क्या करना है किस मूवी में कौन एक्टर था किस पे लिखी हुई थी जस्ट रीड द इन्फॉर्मेशन है ना तो क्या दिया हुआ है

पर क्योंकि 2017 में मे ये फिल्म रिलीज हुई होगी तो बुक के भी प्राइजेस बढ़ गए यानी सिर्फ फिल्म को या मूवी को नहीं होता प्रॉफिट बल्कि बुक की भी सेल्स बढ़ जाती हैं बिकॉज फिर लोगों को बुक में भी इंटरेस्ट आता है ना कि हमें बुक पढ़नी है ऐसे कई बार हुआ है ना बहुत सी ऐसी मूवीज हैं जो हमने देखी और हमको पता चला अरे ये वाली मूवीज बुक पे बेस्ड है फिर हम वो बुक खरीदते हैं जैसे मैंने पर्सनली ये किया है कि मैंने कभी कोई मूवी देखी हमको लगता है बुक पे बेस्ड है देन आई दैट बुक एंड रीड इट क्लियर तो वो बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट दे रहा है कौन बुक्स मूवी को मूवी बुक्स को तो क्या बोल रहे हैं ट्वेंटी में ही 23% सेल्स हो गई जो समझ सकते हो 1992 से लेकर अभी तक जितनी भी सेल्स हैं सबसे हाईएस्ट सेल्स उस ईयर में हुई 2017 में जिस टाइम ये मूवी रिलीज हुई यानी बुक का फिल्म पे फिल्म का बुक पे इंपैक्ट दिख रहा है डन ऑलराइट नेक्स्ट इज द रिसर्च सजेस्ट दैट रिसर्स एडाप्टेड फिल्म टू परफॉर्म बेटर मतलब जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं है वो किसी से ली गई है लाइक like, अगर कोई मूवी है और वो बुक पे बेस्ड है तो बुक की स्क्रिप्ट हुई ना वो उन्होंने खुद तो लिखी नहीं है जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी होंगे राइटर वगैरह उन्होंने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए होंगे बाकी वो बेस्ड किस पे थी उस बुक पे तो है तो अडेप्टेड फिल्म्स जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं ज्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं बिकॉज फिल्म कैन लेवरेज द पॉपुलरिटी ऑफ वेल नोन बुक्स थ्रू एन एग्जिस्टिंग ऑडियंस लेवरेज का मतलब होता है जितना भी बेस्ट मतलब परफॉर्म करना उससे भी बेस्ट परफॉर्म करना लाइक टू परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ वन एबिलिटी तो इंप्रूव बोल सकते हो ठीक है तो क्या दिया हुआ है कि जो पॉपुलरिटी है ना जो बुक्स ऑलरेडी फेमस है उनकी ऑलरेडी पॉपुलरिटी उनकी ऑडियंस ऑलरेडी पसंद करे उस बुक को अब आप उसी बुक पे अगर मूवी बनाओगे तो वो ऑडियंस भी एड हो जाएगी ना मूवी को देखने के लिए तो क्या होगा इससे ओवरऑल सेल्स बढ़ जाएंगे films adapted from बुक्स also टेन टू have a richer मोर फुली developed स्टोरी टू ड्रॉ ऑन और जब भी कोई मूवी जो है वो किसी बुक पे बेस्ड होती है तो बहुत अच्छा हो जाता है इजी काम हो जाता है क्यों क्योंकि ऑलरेडी एक प्यारी सी स्टोरी डेवलप्ड स्टोरी होती है, है ना उसका बिगनिंग सेंटर पार्ट या एंड को ढूंढना नहीं पड़ता सोचना नहीं पड़ता कि भाई क्या एंड करें क्या करें एक्टर को मार दें या हीरोइन को मार दें क्या करें मतलब सोचना पड़ता है ना तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती बिकॉज यू ऑलरेडी हैवे अ फुल्ली डेवलप्ड स्टोरी बस उसके ऊपर आपको एक मूवी बनानी होती है इन टर्म्स ऑफ टीवी सीरियल बात करते हैं टीवी कर का कोई शो है या सीरियल है जो भी है अगर वो किसी बुक पर बेस्ड होगा इट वॉज रिवील क्वार्टर ऑफ ड्रामाज वन फोर्थ ऑफ सीरियल्स वर बेस्ड ऑन लिटरेरी सोर्स लिटरेरी मतलब जो लिटरेचर के सोर्सेज हो जो बुस हैं एंड अट्रैक्टेडी सिक्स परसेंट लार्जस्ट शेयर ऑफ द ऑडियंस दैन दोस्ड ऑन ओरिजिनल स्क्रिप्टो टीवी शोज जो कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट बेड है उसकी जो ऑडियंस हैं उससे 56 परसेंट ऑडियंस ज्यादा देखी गई उन शोज में जो कि एक बुक पे बेस्ड थे। 14 ऑफ दर्टी फाइव हाई एंड सीरीज प्रोड्यूस्ड इन द यूके इन द पीरियड बिटवीन जनवरी एंड सितंबर 2017 वर बेस्ड ऑन बुक्स तो यूके में जितनी भी यू you नो know, 35 फाइव एंड सीरीज आई हैं 35 सीरीज में से जो 14 सीरीज थी मतलब बहुत ज्यादा हो गया है ना तो जो फोर्टीन सीरीज है यूके में वो किस टाइम पीरियड की बात हो रही है जानवरी से लेकर सेप्टेम्बर ट्वेंटी के बीच में वो सब किस पे बेस थी वो बेस थी बुक्स पे

जो नॉवल है वो ऑलरेडी 25 साल से चल रही है लाइक like, 25 साल हो गए थे उसको पब्लिश हुए बट 82 परसेंट ऑफ द बुक्स जितनी भी टोटल बिकी उसमें से जो 82 परसेंट कॉपीज थी या बुक्स थी वो 2016 और 2017 में ही बिकी है यानी जब मूवी बनी सेल्स ऑफ पेपर बैक एडिशन रिमेन स्ट्रॉन्ग इन इवन इवन आफ्टर द द सीरीज वेंट ऑफ एयर सीरीज खत्म हो गई लाइक ऑफ एयर चली गई अब नहीं आ रही है वो सीरीज लोगों ने देख ली टाइम हो गया उसके बाद भी वो बुक जो है वो बहुत स्ट्रांगली सेल मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से सेल हो रही थी उसकी समझ रहे हो तो क्या बोला गया यहाँ पे कि बुक की भी पॉपुलैरिटी बढ़ती है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूवी की बढ़ रही है बुक की भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ओवरऑल समझ आ रहा है दोनों का कनेक्शन डन ऑल राइट लास्ट एंड द फाइनल पैसेज का जो पैराग्राफ है वो है इन कंक्लूजन अगर ओवरऑल कंक्लूड करेंट इज रिपोर्ट का रिलेशनशिप है दोनों तरफ से बिटवीन पब्लिशिंग एंड दाइडियर क्रिएटिव इकोनमी वेर एन अक्सेसफुल एडेप्टन ऑफ एनज अव इफेक्स एंड गिवस अशियल बूस टरिजिनल बुक तो दोस्तों

अब ओवरऑल जब हम ये पैराग्राफ पढ़ चुके हैं लाइक like इस पैसेज को पढ़ चुके हैं हमें लग रहा है कि मतलब ये बहुत ज्यादा ही यू नो डिटेल्ड है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट uh, हो सकता है बट इट्स वेरी इजी इट्स रियली वेरी वेरी इजी कैसे क्वेश्चन देखो यू विल अंडरस्टैंड दैट पहला क्वेश्चन जो है सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पे जंप करेगा बिल्कुल भी नहीं क्या करोगे पढ़ लो क्या अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैसेज में दो दो छोड़ने ऐसा नहीं करना है आपको कि आप ना दोनों पैसेज को मिला लो और फिर इसके क्वेश्चन छोड़ दो नहीं आपको दोनों ही पैसेज को अटेम्प्ट करना है दोनों के जितने क्वेश्चन बोले हैं जस्ट अटेम्प दोस्त क्लियर तो आठ क्वेश्चन है छे जो आपको सबसे बेस्ट लग रहा है आपको कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि नहीं आई एम राइट मुझे पता है मार्क्स मुझे मिलेंगे मिलेंगे देन गो फॉर दैट तो सबसे पहला क्वेश्चन है लाइक द द क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज द पर्पज ऑफ द रिसर्च बाय पब्लिशर एसोसिएशन वॉज टू स्टडी द ब्लैंक चूज द करेक्ट ऑप्शन लास्ट वाले पैराग्राफ में मिला है कंक्लूजन उसी में पता चला रिपोर्ट क्या बता रही है टू वे रिलेशनशिप है ना अब इस पर देख लेते कौन सा ऑप्शन है वैरायटी इन फिल्म्स एंड टीवी शोज भाई कितनी वैरायटी है फिल्म में और टीवी शोज में नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बताया गया बुक और टीवी शोज या फिल्म्स की रिलेशनशिप को बताया गया है इम्पैक्ट ऑफ फिल्म्स ऑन बुक्स फिल्म का इम्पैक्ट बुक पे क्या होता है हाँ बताया है पर क्या सिर्फ यही बताया है नहीं बुक का फिल्म पे क्या होता है वो भी तो बताया है चॉइस ऑफ बुक्स फॉर फिल्म मेकिंग कहीं पे भी बात नहीं की गई है कि यू शुड चूज ये वाली बुक देन ओनली फिल्म विल बी सक्सेसफुल ऐसा कुछ नहीं पता हाँ ये जरूर बताया अगर बुक बहुत पॉपुलर है तो और ज्यादा फिल्म के रेवेन्यू बढ़ जाते हैं बट ये रिपोर्ट का बेसिस नहीं था कनेक्ट बिटवीन बुक्स एंड फिल्म इज द रिलेशनशिप वट इज द कनेक्शन बिटवीन बहुत बुक्स एंड फिल्म एंड इवन बुक्स एंड टीवी सीरियल जो भी बोल सकते हो इट्स अ टू वे रिलेशनशिप तो यही तो है टू वे बुक्स एंड फिल्म फिल्म क्लियर तो एक पूरा यू नो दोनों तरफ का एरो है गिव एंड टेक की रिलेशनशिप इट्स नॉट वन साइडेड सो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए द परफेक्ट आंसर इतना बढ़िया क्वेश्चन है एंड यू गेट दैट क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट इज द ट्वेल्थ क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो दो स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो सबसे बेस्ट है सबसे पहला द रेवेन्यूज जनरेटेड एट द बॉक्स ऑफिस हैव ठीक है रेवेन्यू जो है फिल्म के बढ़ गए पहले में ये बोला गया है कि पैसे आ रहे हैं बहुत कमाई हो रही है फिल्म की मेजोरिटी ऑफ द टॉप फिल्म जितनी भी की, material, वो पे बेस्ट फिल्म हैं ठीक है थीके? क्योंकि फिल्म्स जो हैं हैं वो बुक्स पे बेस्ड इसीलिए क्या हो रहा है रेवेन्यू बढ़ रहा है या फिर रेवेन्यू बढ़ रहा है इसीलिए फिल्म्स बुक पे बेस्ड हैं रेवेन्यू कब बढ़ा जब फिल्म को बुक पे बनाया बेस्ड है ना तो आपको सेकंड और फर्स्ट समझ आ रहा है कि सेकंड हुआ इसीलिए फर्स्ट मिल रहा है हमको चलो ऑप्शन पढ़ते हैं वन इज द रिजल्ट ऑफ टू वन इज रीजन फॉर टू वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टू वन अब देखो ऑप्शन नंबर पढ़ लिए सारे ऑप्शन कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब क्या होता है कि उसको गलत बता रहा है गलत प्रूफ कर रहा है लाइक like ऑपोजिट बता रहे हो आप ठीक है अगर जैसे मैं बोलूँ कि आई लव दू कार खड़ी है ठीक है मैं बोलू आई लव दिस कार आई लव दिस कलर आई वुड जस्ट लव यू नो दिस कार आई वुड लव टू राइड दिस कार मतलब मैंने इतनी तारीफ कर दी और फिर जब कोई बोल रहा है कि क्या तुम ये कार खरीदोगी ये कार मैं बोलूँ नहीं आई वुड बाय दैट कार है तो फिर तारीफ क्यों की उस कार की है ना तो यहाँ पे क्या हुआ मैं अपने ही स्टेटमेंट से बोलो ऑपोजिट बोल रहे लाइक मुकर रही हूँ बोलते हैं वर्ड हिंदी में ठीक है तो कॉन्ट्रडिक्ट उसको बोलते हैं लाइक आप ऑपोजिट बता रहे हो आप खुद की ही बात को गलत ठहरा रहे हो सो so, यहाँ पर कहीं पे भी कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही नहीं तो सपोर्ट है कि भाई बुक्स पे बेस्ड फिल्म बनी तभी पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं भाई डायरेक्टर्स चांदी हो रही है उनकी बहुत पैसे कमा रहे हैं तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन वो डी है वो तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाता है दैट्स अब पढ़ते हैं ए बी सी ए बोल रहा है वन सेकंड का रिजल्ट अच्छा ठीक है मतलब फिल्म बुक पे बनी है इसीलिए पैसे ज्यादा कमा रहे हैं हाँ बिल्कुल सही है कुछ भी गड़बड़ नहीं है तो ए तो भैया सही लग रहा है वन इज रिजल्ट ऑफ टू सेकेंड इज वन इज द रीजन फॉर टू मतलब वन टू का रीजन है कि जितने भी रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं इसीलिए मेजोरिटी ऑफ फिल्म ऑन बुक्स अरे नहीं ये देखा गया है, क्योंकि फिल्म बुक पे बेस्ड थी तो उनका रेवेन्यू बढ़ गया रेवेन्यू कैसे पता चलेगा बड़ा है जब तक आप बनाओगे ही नहीं है ना तो सपना तो आया नहीं होगा सबसे पहले जिसने बनाया होगा बुक पे बेस्ड मूवी को तो यहां पे पता चला उससे कि भाई जैसे ही बुक्स पे बेस्ड मूवी बनाई रेवेन्यू बढ़ गया यानी रीजन नहीं है इट इज अ रिजल्ट थर्ड इज वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टू हाउ इट इज इंडिपेंडेंट इट इज डिपेंडेंट है ना निर्भर है वो एक दूसरे के ऊपर तभी तो बोला है टू वे रिलेशनशिप कनेक्ट बोला है सो so, आंसर क्या हो जाना चाहिए सीधे-सीधे ऑप्शन नंबर ए वन जो है ना वो बी का रिजल्ट है कि जैसे ही टॉप फिल्म्स जो हैं वो बुक पे बनी इसकी वजह से रेवेन्यू जो जनरेट हुआ वो बहुत ज्यादा हाई था डन ओके नेक्स्ट इज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अब आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है स्टेटमेंट क्या है 2017 alone accounted, yani 2017 sales hai, of sales 1992. Adab, 1992 leke, 2017 सिर्फ की सेल्स देखें तो वो अकेली ही कितनी थी 23% 1992 1992 मतलब से लेके तक कितने उस हिसाब से सबसे ज्यादा यही बोलना चाह रहे हैं बहुत इजी है चलो ऑप्शन पढ़ते हैं देवर ट्वेंटी थ्री परसेंट हायर सेल्स इन ट्वेंटी सेवेंटीन दें प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर का हमको कुछ पता ही नहीं है तो आप कैसे बोलोगे ट्वेंटी थ्री परसेंट ज्यादा थी कम थी प्लस थी माइनस थी वॉट एवर थी नहीं पता ना क्यों बिकॉज यू डोंट नो कि भाई प्रीवियस ईयर में कितनी सेल्स थी तो ऑप्शन नंबर ए को सीधे सीधे एलिमिनेट कर दो अपनी मर्जी से मत बोला ज़्यादा कमाई हुई होगी हमें दिख रहा है ट्वेंटी थ्री परसेंट ज्यादा है बट बाकी के ईयर से ज्यादा हायर सेल्स हुई है वो नहीं बताया नेक्स्ट अ मेजर चंक ऑफ सेल्स इन 2017 चंक मतलब एक यू नो वर्ड यूज करते हैं ऐसे ही की um, कैसे बोलू लाइक like मैं बोलू अगर मेजर चंक ऑफ माय फ्रेंड्स ऐसी वर्ड यूज़ कर लिया जाता है मतलब मेरे फ्रेंड्स में से सबसे सब ज़्यादा मेजॉरिटी वैसे ही मेजर चंक ऑफ सेल्स जितनी भी सेल्स हुई हैं अभी तक उस बुक की उसमें सबसे ज्यादा मेजॉरिटी सबसे ज्यादा सेल्स जो हुई हैं दैट इन ये तो बोल रहे हैं अ लोन अकाउंटेट 23% सिंस 1992 यानी 2017 में सबसे ज्यादा सेल्स हुई हैं सो ऑप्शन बी परफेक्ट है द सेल्स वर लिमिटेड टू 23% percent. दुख की बात नहीं है खुशी की बात है 23% हुई हैं इतनी ज्यादा सो लिमिटेड नहीं थी इट इंक्रीज्ड टू 23% percent.

डन ओके नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रिसर्च द फिल्म बेस्ड ऑन बुक्स है रिसर्च हुई है उस पर बेस्ड क्या पता चलता है कि जो भी फिल्म बुक्स पे बेस्ड थी वो ज्यादा सक्सेसफुल थी ऐसा क्यों पीपल लाइक टू सी दैरक्टर्स फ्रॉम द बुक्स ऑन स्क्रीन क्योंकि लोगों को बुक से स्क्रीन पे कैरेक्टर्स देखना पसंद आता है लाइक like, अगर हमने कोई बुक पढ़ी उसमें कोई भी स्टोरी थी अब हम उसको देख रहे हैं कहाँ स्क्रीन पे ओके द फिल्म गेट द एडवांटेज ऑफ द फेम ऑफ द बुक्स क्योंकि बुक्स फेमस होती हैं पॉपुलैरिटी होती है उनकी उसकी वजह से फिल्म को एडवांटेज मिल जाता है इट टेक्स लेस एफर्ट फॉर पीपल टू वॉच फिल्म देन रीड बुक्स क्योंकि लोगों को फिल्म देखने में कम टाइम लगता है लाइक like, मेहनत नहीं लगती ना आपको बैठना है पॉपकॉर्न कोल्ड्रिंक लेके और आप देखोगे बस बुक में आपको पेज पलटना पड़ता है समझ नहीं आता भाई डिक्शनरी को बुलाओ गूगल देखो है ना तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है हट ठीक है सही है बट क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है अच्छे से इसलिए उसको समझो द फिल्म गेट अ रेडीमेड स्क्रिप्ट फ्रॉम द बुक्स और फिल्म को एक रेडीमेड स्क्रिप्ट मिल जाती है लाइक बुक्स में सब कुछ लिखा है बस उसको डायरेक्टर को अच्छे एक्टर्स कास्ट करने हैं एक अच्छा प्लॉट अच्छी जगह अच्छे इक्विपमेंट्स अच्छे कॉस्ट्यूम्स एंड देन सेट तो ये चीज बोलना चाह रहे okay, चारों समझ आ है। कुछ भी गड़बड़ नहीं है कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च सक्सेस जो फिल्म है वो जो भी बुक्स पे बेस्ड होती है वो ज्यादा सक्सेसफुल होती है क्यों अब आपको सारे ऑप्शन दिए हुए हैं क्या नहीं आपको सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना है ठीक आप तो है आपको वन टू तो थ्री फोर दिया हुआ है क्या देखो ऑप्शन नंबर बी क्यों क्योंकि आपके पैराग्राफ्स में दिया हुआ पॉपुलैरिटी होती है एक ऑडियंस होती है बुक्स की ऑलरेडी आपने एक बुक पढ़ी हुई है ठीक है अब आपको पता चल रहा है उस पर मूवी बन रही है यू विल गो एंड वॉच दैट मूवी हो सकता है कोई मूवी आपने देखी आपको पता चला भैया इस बुक पे बेस्ड आप जाओगे बुक खरीदोगे बुक पढ़ोगे तो क्या हो रहा है हैंड हैंड इन चल रहा है ना तो बेस्ट यही है कि फिल्म को एडवांटेज मिल जाता है ऑफ तो द फेम ऑफ द बुक्स तभी वो चलती है एंड अगर मूवी काम कर जाती है तो उसका एडवांटेज मिल जाता है बुक को है ना तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर

एक स्टोरी लाइन की भाई स्टोरी में क्या होगा क्या यू नो बिगनिंग होगी क्या आपका मेन पार्ट होगा लाइक व्हाट वुड बी द एंडिंग व्हाट वुड बी द क्लाइमैक्स तो ये सारी चीजें जो हैं वो बेटर होती हैं ओके ठीक है परफेक्ट okay, है perfect, क्योंकि ऑलरेडी फुल्ली डेवलप स्टोरी आपके पास द कैरेक्टर्स आर लाइकली टू बी मोर विविड बुक में जब आप कैरेक्टर्स पढ़ते हो और आप उसी चीज को अगर स्क्रीन पे देखोगे तो आपको ज्यादा डिटेल में समझ कहाँ आएगा स्क्रीन पे ना राइट बिकॉज आप पढ़ोगे बट आपके लिए एक मन में पिक्चर तो बनेगा जब आप स्क्रीन पे देखोगे ओके परफेक्ट विविड मतलब मोर डिटेल्ड प्रोडक्शन ऑफ सच फिल्म इज में रिच एंड फेमस जो भी प्रोडक्शन होती है मूवीज की वो इसीलिए होती है ताकि जो पैसे वाले होते हैं जो रिच होते हैं फेमस होते हैं वो देखें कुछ भी है, है ना द सेटिंग एंड कॉस्ट्यूम्स फ्रम द बुक क्योंकि जो सेटिंग होती है मूवी की जो कॉस्ट्यूम होते हैं वो बुक से लिए जाते हैं ओके okay, मतलब ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा फुल्ली डेवलप स्टोरी है तो कॉस्ट्यूम वगैरह की सो जस्ट लेट्स जस्ट कीप दिस यू नो अलग से बट यस ऑब्वियसली आपको ये तो क्लियर हो गया है कि ऑप्शन थर्ड तो बिल्कुल नहीं हो सकता बिकॉज रिच फेमस की बात नहीं हो रही है मेकिंग ऑफ सच रिक्वायर द ऑथर टू राइट सीक्वल क्योंकि ऐसी मूवीज का सीक्वल लिखना ही पड़ता है ऑथर को जरूरी है क्या हो सकता है कोई मूवी एक पार्ट में बनी है एक वही एक बुक है ना उस बुक का पार्ट बना ना मूवी का सीक्वल बना सो इट्स नॉट पर वो चीज़ बताई जा रही है नहीं तो हमें तो ये समझ आ गया कि फाइव तो पक्का नहीं होगा सीक्वल वाला एंड थ्री भी हमको समझ आ रहा है कि नहीं होगा चलो थ्री में फिर भी डाउट हो तो फोर तो पक्का है फिफ्थ तो पक्का है कि नहीं हो सकता तो लेट्स जस्ट गो टू दी ऑप्शन अब देखो फोर और फाइव और वन आपको ना चूज करने में मदद करेंगे तो आपको फोर और फाइव में से पता है फाइव हो ही नहीं सकता सीक्वल वाला इसका मतलब आपको वन थ्री फोर और वन टू फोर में चूज करना है राइट right? क्योंकि आपने फाइव एलिमिनेट कर दिया अब वन थ्री फोर वन टू फोर में क्या कॉमन है one भी है, भी कॉमन है है यानी सही आंसर है. अब आपको चूज करना है और और में से हमने पहले ही देख लिया रिच फेमस वाला गलत होगा है ना वो थ्री जस्ट चेक देखो रिच और फेमस तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है हमारे पास क्या बचता है one, two, तो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी जो स्टेटमेंट को समझाता है तो इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो डन ओके नेक्स्ट इज ऑन वॉट फ्रॉम द फॉलोइंग मैक्सिमम टीवी सीरियल्स इन यू के इन द ईयर ट्वेंटी सेवेंटीन बेस्ट अब आप चाहो तो आप ढूंढ सकते हो सीधे सीधे पैसेज में कि यूके में सबसे जो मैक्सिमम टीवी सीरियल्स थे वो किस पे बेस्ड थे अदरवाइज ऑप्शंस पढ़ लो क्या दिया हुआ है बुक्स हिस्टोरिकल स्टोरीज ओरिजिनल ट्रू स्टोरीज प्रीवियस फिल्म दिया हुआ है लाइक फाइव आउट ऑफ दिस एंड समथिंग लाइक दैट तो आपको फोर्टीन दी हुई है ना ऑफ थर्टी फाइव वो किस पे बेस्ड है बुक्स पे बेस्ड है यही बोला जा रहा है राइट right? तो क्या दिया हुआ है सबसे ज्यादा मैक्सिमम टीवी सीरियल्स किस पे बेस्ड थे बुक्स पे वही तो हम पढ़ रहे हैं पूरे पैसेज में सो so, आंसर क्या हो जाएगा सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए बुक्स हमको ज्यादा मेहनत करने की इसमें जरूरत ही नहीं है, ना ओके okay. नेक्स्ट इज दिस पैसेज लिस्ट TV dramas प्रूविंग दैट टीवी works बेस्ड ऑन लिटरेरी हुआ है कि इस पैसेज में आपको ये पता चलता है कि जो टीवी dramas हैं जो लिटरेरी वर्ग यानी कि जो बुक्स पे बेस्ड हैं उनका क्या लाइक हैव इंक्रीज द इमीडिएट the बुक बुक book. Book की सेल्स बढ़ा दी इंक्रीज द सेल्स ऑफ बुक ड्यूरिंग द फर्स्ट स्क्रीनिंग जैसे ही पहली स्क्रीनिंग हुई मूवी की बस तभी बढ़ी बुक की sales फिर बाद में बंद हो गई क्या लिखा हुआ है सीरीज ऑफ एयर भी चली गई तो भी बुक बिक रही थी है ना द सेल्स ऑफ द बुक नहीं फिर तो पूरी रिपोर्ट ही गलत प्रूफ कर दी नो इंपैक्ट इट हैड ग्रेट इंपैक्ट लिटिल इंपैक्ट नहीं इट हैड बिग इंपैक्ट तो सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए ही सही है कि सेल्स बढ़ गई बुक की जब ये टीवी सीरियल्स एडाप्टेशन थे किसके

मतलब अगर किसी ऑडियंस को बुक अच्छी लगी तो वो फिल्म देखने गया फिल्म तो के बढ़ गए तो उसने बुक खरीद ली बुक के बढ़ गए सेल्स समझ रहे हो तो ये है टू ए रिलेशनशिप तो पहला ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाता है सेकंड इज टू एन ऑडियंस विद द सेम टेस्ट क्योंकि दोनों ही ऑडियंस जो है वो सेम टेस्ट uh, के होते हैं लाइक like, जो मूवी वाले हैं वही बुक वाले और बुक वाले वही मूवी वाले मतलब उनको अच्छी लगी है ना बुक एंड देन दे वेंट टू सी द मूवी एंड दे फाउंड द मूवी गुड सो दुक बॉट दी बुक हाँ बिल्कुल सही है टेस्ट सही है बिल्कुल सेम है बट उससे फर्क क्या पड़ रहा है लाइक like, अगर किसी को बुक अच्छी लगी है तो उसका उसको मूवी अच्छी लगी है ठीक है अगर किसी को मूवी अच्छी लगी तो उसने बुक खरीदी यानी इसका मतलब ये कुछ लोग हैं जिनको मूवी देखकर ज़्यादा समझ आया होगा कैरेक्टर्स के बारे में स्टोरी लाइन के बारे में इसीलिए उन्होंने बुक खरीदी होगी किसी को बुक बहुत अच्छी लगती है पढ़ना तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं बुक तो पढ़ ली है अब मैं इसमें मूवी भी देखूँ तो जरूरी नहीं है सेम टेस्ट है दैट्स वाई इट्स केटरिंग दैट ऑडियंस नो इट इज गोइंग टू केटर काइंड ऑफ ऑडियंस हो सकता है कोई बुक लवर हो दैट्स वाई दे फाउंड की भाई लेना चाहिए हो सकता है को, किसी को बुक पढ़ना पसंद ही नहीं है बुक पढ़ ली समझ लो सो ऑप्शन बी भी गलत है थर्ड इज गेन फ्रॉम इच अदुलरिटी डायरेक्ट आंसर है बुक पॉपुलर होती है तो वो मी देखने चाहते हैं मूवी पॉपुलर होती तो वो ऑडियंस बुक देखने चली जाती है तो क्या हुआ दोनों तरफ सेल्स बढ़े यानी ऑलरेडी जो थे ऑडियस वो तो है ही बट ये वाली ऑडियस बुक वाली फिल्म देखने चली गई फिल्म के सेल्स बढ़ गए फिल्म वाली ऑडियंस बुक पढ़ने चली गई बुक के सेल्स बढ़ गए समझ लो सो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट है डी इज बुक

आप बार बार बोलते हो ग्रामर के एमसीक्यूज बना दो मैम एम अरे जब ग्रामर मैंने पढ़ाया है सेपरेटली तभी मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इतने हैं आपको सॉल्व कि उसके बाद भी अब मैं क्या करूं मतलब मैंने अगर किसी क्वेश्चन में राहुल लिखा है तो उसको राजीव करके आपको पढ़ा दूं रूल तो वही है ना राइट इट जस्ट दैट सेंटेंस की थोड़ी ऐसी मॉडिफाई हो जाएगा सेंटेंस थोड़े वर्ड चेंज हो जाएंगे अदरवाइज रूल तो वही एप्लीकेबल होगा तो सेम थिंग आपको यहाँ पे भी समझ आ जाएगी कि अगर हमने ऑलरेडी वीडियो देख लिया है तो आपको कितने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ये क्वेश्चन सबसे पहला जो ग्रामर का क्वेश्चन है इट इज द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली दैट यू ब्लैंक स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज आर्ट फॉर ऑल यानी हॉस्पिटल में एक बोर्ड लगा है उस पे लिखा है यू ब्लैंक स्मोक स्मोकिंग के लिए लिखा है हॉस्पिटल में एज इट है सबके लिए ये health hazard है obviously जो स्मोक करता है उसको तो प्रॉब्लम हो ही रही है उसकी तो बॉडी डैमेज हो ही रही है साथ ही साथ उस आ, स्मोक की वजह से जो सामने वाला दूसरा भी इनहेल करेगा उसको भी इश्यू होगा अंदर अंदर तो गया है ना वो इनहेल तो किया ही तो इसीलिए क्योंकि ये health hazard है एक health के लिए ये, नेगेटिव uh, इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पे इसीलिए स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए ऐसे लिखा होगा यानी आपको हॉस्पिटल में स्मोक करना अलाउड नहीं है इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड यानी यू डोंट हैव इवन पॉइंट वन परसेंट कि हाँ कोई नहीं आप कर लीजिए आपको अलाउड है स्मोक करना नहीं कोई भी स्मोक नहीं करेगा तो ये रूल है समझ रहे हो अब ऑप्शन पढ़ो कैन नॉट कैन नॉट क्या बताता है एबिलिटी इन एबिलिटी वाला कैन मॉडल वर्क राइट तो कैन मतलब यू हैव दी एबिलिटी कैन नॉट मतलब यू डोंट हैव एबिलिटी तो जो हॉस्पिटल का बोर्ड है उसमें ये लिखा होगा क्या कि आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो बिकॉज आपको नहीं पसंद या आपसे नहीं होता है स्मोक करना

ंग मस्ट नॉट मतलब आप स्मोक नहीं करोगे हॉस्पिटल में ये बोलना चाह रहे हैं बोर्ड पे क्या रूल होगा बिल्कुल रूल होगा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड मीनिंग आ रहा है ऑप्शन yes, बी सही है थर्ड नीड नॉट डी माइट नॉट माइट नॉट मतलब शायद करो भी नहीं भी करो नीड नॉट आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो। मतलब यहां पर कोई भी ऐसे 100 परसेंट वाला ऑप्शन बी ही है ना है ना कोई नीड नहीं है वॉन्ट नहीं है उसकी बात थोड़ी हो रही है वॉट यू हैव टू चूज इज द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मैंशन दैट यू मस्ट नॉट स्मोक आप स्मोक नहीं करोगे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड दस बार बोलते हैं ताकि आप इस तरीके से ही चेक करो सो so, आंसर क्या हो जाएगा बहुत आसान क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर बी बट मेजरिटी गलत करके आएंगे क्योंकि वो कैनॉट चूज कर देंगे जो आपको नहीं करना है. इसके पहले हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया गलती कर दी है, छोटी सी क्या

मैनी और लिटिल मतलब यहां पे किसकी बात हो रही है कौन सा टॉपिक है ये डिटर्मिनर इसके पहले मॉडल्स है ना Determiners में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कुछ वर्ड्स हैं जो खुद ही एक नेगेटिव मीनिंग लेके घूमते हैं है ना तो यहां पर एक नेगेटिव नेवर दिया हुआ है आगे आप पॉजिटिव लगाओगे नंबर नंबर टू पेट्रोल को आप काउंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो काउंटेबल अनकाउंटेबल उस पर बेस चूज करोगे है ना आपको क्या करना है डिटर्मिनर का वीडियो चेक करना है उसमें आपको समझ आ जाएगा कब हम काउंटेबल के लिए क्या यूज करते हैं अनकाउंटेबल क्या मतलब होता है मच मैनी लिटिल और लिटिल का एंड यू विल गेट योर आंसर कैसे अर्थ

आप क्वांटिटी भी बताओगे तो मच मैनी में क्या चूज कर सकते हो मच चूज कर सकते हो सो विल यूज 20 का हो जाएगा आंसर देयर इज नेवर मच पेट्रोल लेफ्ट यानी कि कभी भी थोड़ा बहुत पेट्रोल भी नहीं बचता है कार में जब भी राहुल कार चलाता है डन ओके okay.

ले लूंगा है ना मतलब स्टार्ट होगा और खत्म भी हो जाएगा नवंबर तक यानी फ्यूचर में स्टार्ट होके खत्म फ्यूचर परफेक्ट यही पढ़ा है टेंस टेंस में मिनट्स का का वन शॉट वीडियो जो है है वो बना हुआ है, जाके चेक कर सकते हो सो so, फ्यूचर परफेक्ट का आपको पहले से पता होगा क्या स्ट्रक्चर जस्ट देख लो विल हैवी हाँ थ्री है कि नहीं है जस्ट देख लेते हैं विल टेक, विल टेक दिया हुआ है वुड पास वुड दिया हुआ है वुड का हमें काम नहीं है हमें तो विल हैव हैव चाहिए विल टेकन विल Have V3, taken, क्या है Take, took, taken, है ना ंग फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं हमें खत्म कर देना ड्राइविंग टेस्ट लेकर तभी तो बोला है बाय नवंबर तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिकॉज इट्स फ्यूचर परफेक्ट है सीधे सीधे स्ट्रक्चर देखो एंड यू विल गेट योर आंसर ट्वेंटी वन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल हैव टेकन ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर डन ओके नेक्स्ट जाते हैं रिपोर्टेड स्पीच पे आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं यू कैन चूज एनी वन तो आपको 6 में से कितने करने हैं ऑप्शन द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स के हिसाब से सही कन्वर्ट कर रहा है अब देखो आपको सीधे पकड़ना है पहले तो कौन से टाइप टाइप का सेंटेंस सेंटेंस है उस टाइप के सेंटेंस का रूल याद करना होगा आपको कि भाई हमने क्या पढ़ा था एंड देन यू चेंज द सेंटेंस बहुत आसान है सीधे सीधे रूल्स रिवाइज कर लो बड़े आसान रूल्स हैं हर एक टाइप के सेंटेंस में मैंने पढ़ाया हुआ है सो इफ यू वॉन्ट आप चेक कर सकते हो वीडियो विल गेट आंसर ध्यान से देखो सुनीता आज हाउ मच इज द रेंट फॉर योर फ्लैट इंटरगेटिव है इंटरोगेटिव है डब्ल्यू एच वर्ड है यस yes, नो no वाला क्वेश्चन ही डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन है है ना यस yes, नो no के अलग रूल्स हैं वेदर वाले डब्ल्यू एच वाले क्वेश्चन के अलग रूल्स हैं सो यू हैव टू रीड दैट क्या दिया हुआ है सुनीता आज वेंकट अब यहाँ पर आप सुनीता आज भी लिख सकते हो सुनीता इंक्वायर्ड भी यूज कर सकते हो है ना सो so, सुनीता आज आज इंक्वायर्स टोल्ड अब देखो इंक्वायर्स नहीं होता है पास्ट में जाते हैं तो इंक्वायर्ड होता है टोल्ड नहीं है बताया नहीं है पूछा है तो सी डी सीधे सीधे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए अब सिर्फ ए और बी में देख लो कि क्या दिया हुआ है डिफरेंस या तो उससे पहचान लो या फिर आप रूल से सीधे सीधे कन्वर्ट कर लो सो so, सुनीता आज वेंकट हाउ मच वॉज हिज रेंट फॉर फ्लैट सुनीता हास्ट वेनकर हाउ मच द रेंट फॉर हिस्स फ्लैट वॉज सो हमें पता है हम क्वेश्चन मार्क ड्रॉप कर देते हैं डब्ल्यू एच वर्ड को एज इट इज रखते हैं डाट वगैरह का यूज नहीं करते हैं में. And, yes, हमें क्या करना है हेल्पिंग वर्क को यहाँ रखना रखना है वी नो दैट वी है एंड है ना रूल है क्योंकि पढ़ चुके हैं पहले सो so, सीधे सीधे रूल फॉलो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी कर रहा है सुनीता हास्ट वेनकर हाउ मच द रेंट फॉर हिस्ट वॉज डन ओके सो आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर क्लियर ठीक है आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल आपको ध्यान से समझ आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में नेक्स्ट है ट्वेंटी थर्ड इज विच ऑप्शन डिस्प्लेस द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलिंग टू रिपोर्टेड स्पीच अगेन रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है

अगो को किस में चेंज करते हो अगो को बिफोर में चेंज करते हैं है ना जैसे नाव को देन में करते हैं

वो बोल रही हैं कि मैंने दमनजीत को बोला था मेल भेज देना भेज दिया है ऐसा नहीं बोला है। तो ऑप्शन बोला था दमनजीत को टू सेंड एन ई मेल भेज देना किसको टू मी क्योंकि मेरी बात हो रही है मैं बता रही हूं कि उन्होंने मेरे लिए बोला था बिफोर तीन दिन पहले है ना तो यहां पर आपको नहीं भी समझ आ रहा है टेंस का क्या रूल है मैं क्या करूँ हैड टोल्ड का क्यों लगाऊं कौन सा वाला टेंस होगा कैसे करते हैं तो भी आपको समझ आ गया है अगर आपको दो बेसिक चीजें समझ आ रही हैं एक तो सेंटेंस का मतलब दूसरा अगो को बिफोर में चेंज करना यू नंबर डी उन्होंने कहा शी टोल्ड दमनजीत टू सेंड किस को मुझ हे सेंड एन ई मेल टू मी कब थ्री डेज पहले तो थ्री डेज बिफोर डन सो आंसर क्या हो जाएगा ट्वेंटी थर्ड का ऑप्शन नंबर डी सो दीज आर सो इजी क्वेश्चन है ना आप अगर रूल्स पढ़ के भी जाओगे तो कितना प्यारा एग्जामिनर है जिसने भी सैपल पेपर बनाया बिकॉज द पसन वॉन्ट्स की आप अच्छा स्कोर करो फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी स्कोर करना इज वेरी 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 ईजी इट्स केक वॉक अगर इस सैप्पल क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ लो तो डन ओके अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विद says अगेन ये टेंस वाला क्वेश्चन है द डॉग ब्लैंक अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइव बच्चों के आने के पहले जो डॉग है वो चेयर के नीचे क्या दिया हुआ है हाइड हिड हिडन मतलब छुपने की बात हो रही है तो छुप गया था है ना तभी तो बोला है बिफोर यानी पास्ट की बात हो रही है सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड Hid, क्या है, hidden, क्या है? है ना थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको पता है कि नहीं कौन से टेंस की बात हो रही है पास्ट की बात हो रही है नाउ जस्ट रीड दी सेंटेंस द डॉग हैज बीन हाइडिंग अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइफ द डॉग वॉज हिड द डॉग है छुप गया था तो इट वुड बी दॉग है अंडर द चिल्ड्रन राइफ सो इजी है ना मतलब कौन से का लग रहा you कि अब हर एक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ना वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन दिस सेटली वीडियो जाके चेक करो क्लियर ओके अब जाते हैं राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चन पे जिसके लिए सबसे ज्यादा क्यूरियस जो है ना बच्चे आप लोग मतलब एवरी वेर यू हैव सेंड दिस क्वेश्चन टू मी मैम राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे आएंगे आई टोल्ड यू आएगा क्वेश्चन पेपर के लिए वेट करो जितने भी लोगों ने मुझसे बात किया है कि वेट करो एंड सी आपको मिल गया क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है मतलब लेटर लिखने से ना कई ज्यादा बेहतर है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जस्ट सी आपको बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या दिया हुआ है आंसर एनी फाइव आउट ऑफ सिक्स क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द बिलो छह क्वेश्चन है एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो बाकी पांच क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे नंबर वन वश्री आप कौन है देवश्री है रेसिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी आसाम कहा रहते हो सिलीगुड़ी आसाम में यानी यू हैव द सेंडर्स एड्रेस राइट यू हैव टू राइट अटर टू एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली ड्रॉइंग अटेंशन नेशनल डेली न्यूज पेपर है उसके एडिटर को आपको लेटर भेजना है. अच्छा ठीक है मतलब एडिटोरियल लेटर आपको दिया हुआ है faced द डिफिकल्टी फेस people at एबल्ड प्लेस आपको पता चल गया है सब्जेक्ट क्या होगा लेटर का यानी आपको लिखना है लेटर क्या है डिफिकल्टी फेस बाय डिफरेंटली एबल्ड पीपल एट टूरिस्ट प्लेसेस जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं जिन्हें हम हैंडी कैप कहते हैं क्या कहना चाहिए डिफरेंटली एबल्ड बहुत प्यारा वर्ड है ठीक like like है तो ऐसे लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है टूरिस्ट लोकेशंस पे टूरिस्ट प्लेसेस पे तो आपके पास सेंडर्स एड्रेस है आपके पास न्यूज़पेपर की बात है आपके पास है एडिटोरियल लेटर आपको लिखना है फॉर्मल लेटर वैसे आता ही फॉर्मल लेटर है एंड ऑल्सो आपके पास सब्जेक्ट है कि आपको क्या डिफिकल्टीज दिखती है जो फेस करते हैं डिफरेंटली एबल पीपल कहां पर टूरिस्ट प्लेसेस पे ओके पहला क्वेश्चन सिलेक्ट ऑप्शन विद रेलिवेंट एस्पेक्ट्स दैट देवश्री शुड सिलेक्ट फॉर दिस लेटर इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो देवश्री को अपने लेटर में लिखना ही लिखना है मतलब फॉर्मेट की बात हो रही है है ना फॉर्मेट के वैसे ही मार्क्स मिलते थे लेटर लिखते वक्त अब आपको ऑप्शन में मिल रहे है, तो और आसान है तो इनमें से कौन सी चीज है जो आप फॉर्मेट में इंक्लूड करते हो जस्ट टिक दैट सबसे पहला न्यूज पेपर नेम क्या आप न्यूज का नाम लिखते हो कितनी बार बताया मैंने एडिटोरियल लेटर में नहीं दिया गया न्यूज का नाम रट के जाओ कोई भी एक न्यूज़पेपर का नाम हिंदुस्तान टाइम्स हमारा फेवरेट है हम वही लिखते हैं ना लेटर में हमेशा तो यू हैव टू मेंशन न्यूज़पेपर का नाम अदरवाइज उनको पता किस चलेगा आप किसको लेटर लिख रहे हो तो ऑप्शन ए तो परफेक्ट है वन आना चाहिए सेकंड इज अटैच प्रूफ ऑफ द न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन आपने सब्सक्राइब किया हुआ है सब्सक्राइब बेल आइकन नहीं मतलब आपने खरीदा हुआ है न्यूज़पेपर है ना आपके घर में रोज आते हैं न्यूज़पेपर वाले भैया पेपर देने या फिर आप ऑनलाइन पढ़ते हो यू नो मतलब आपने खरीदा हुआ है दैट्स इट यू हैव बॉट तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना कि सब्सक्रिप्शन का आपको प्रूफ देना पड़ेगा भाई अंकल मैं आपका पेपर पढ़ता हूँ एडिटोरियल अंकल प्लीज आप मेरा लेटर पढ़ो नहीं तो मैं पेपर बंद करवा दूंगा वो बोलिए करवा दो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है ना तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है आपको प्रूफ नहीं देना है यू जस्ट हैव टू राइट अ लेटर अब जरूरी नहीं है आप उस न्यूज़पेपर को पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो जस्ट दैट इज दी तो ऑप्शन बी तो सीधे सीधे गलत है देवश्रीज एड्रेस सेंडर्स एड्रेस देते हैं क्या बिल्कुल देते हैं तो अभी तो दिया हुआ आपको। is, tone, है आपको सिलीगुड़ी आसाम एंड एवरीथिंग नेक्स्ट इज फॉर्मल टोन अरे मस्ट है लेटर में वो अगले टल तो फेंक देंगे है ना फेंकेंगे नहीं भी तो क्या करेंगे साइड कर देंगे पढ़ेंगे नहीं वो यू हैव टू यूज अ फॉर्मल टोन तो ऑप्शन फोर भी परफेक्ट है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द लेटर्स रिसिप्ट आपको ये लिखना पड़ता है क्या कि मुझे इसका रिसिप्ट भेजना लेटर का यही एक्सपेक्टेड डेट है नो यू डोंट हैव टू राइट दैट तो सीधे सीधे बड़ा आसान क्वेश्चन है टू फाइव नहीं आएगा वन थ्री फोर मस्ट है लेटर में जस्ट गो टू दी ऑप्शन वन थ्री फोर कहाँ दिया ऑप्शन नंबर डी में यू हैव योर आंसर इतना आसान क्वेश्चन है लाइक like, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में नेक्स्ट आ जाते हैं ट्वेंटी क्वेश्चन पे विथ सेज सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर बहुत आसान है बिकॉज सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में अब आपको चूज करना है कौन से वाले ऑप्शन में सारे वर्ड्स दिए हुए हैं डिफरेंटली एबल डिफिकल्टीज फेस्ड टूरिस्ट प्लेसेस ठीक है ड्रॉइंग अटेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल डिफिकल्टीज फेस बाई डिफरेंटली एबल्ड पीपल टूरिस्ट प्लेस दो वर्ड मिसिंग है तो ऑप्शन एलिनेट हो गया द डिफरेंटली एबल्ड निगलेक्टेड मिस अंडरस्टूड यहाँ पे अगैन डिफरेंटली एबल्ड लोगों की बात नहीं करनी उनको जो डिफिकल्टीज टूरिस्ट प्लेस पे होती है उसको बात करना है, तो ऑप्शन नंबर टू भी गलत है टूरिस्ट प्लेसेज आर इन इनकन्वीनियंस टू डिफरेंटली एबल्ड पीपल टूरिस्ट प्लेसेज इनकन्वीनियंस है टूरिस्ट प्लेसेस पे क्या इनकन्वीनियंस फेस करने पड़ते हैं वो पूछा गया है टूरिस्ट प्लेस इनकन्वीनियंट नहीं है जो डिफ़िकल्टीज वो फेस करते हैं उस पर आपको यू नो you know, एक तरीके से लोगों का अटेंशन गैदर करना है ठीक है फेस बाय द डिफरेंटली एबल इनकन्वीस बायल पीपलिस्ट प्लस परफेक्ट यही तो है इनकवीनियंस एनी डिफिकल्टीज के लिए वर्ड आ गया कौन फेस कर रहे हैं डिफरेंटली लेबल पीपल कहां टूरिस्ट स्पॉट टूरिस्ट प्लेसेस पे तो ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट ठीक है तो आपको करना क्या है सारे वर्ड्स पढ़ने जस्ट चेक क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ you so second, है यू हैव योर आंसर सेकंड जो क्वेश्चन है लेटर पे बेस्ड या ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन जो है दिस इज ऑल्सो वेरी इजी ओके नेक्स्ट वन इज विच ऑप्शन शुड देवश्री सिलेक्ट टू इलेबोरेट ऑन द डिफिकल्टीज फेस डिफरेंटली एबल्ड अब हो सकता है से बच्चे बॉक्सेस देखें देखें इतने पॉइंट्स दे लाइक यही क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा एक बार पढ़ तो लो बहुत आसान क्वेश्चन है क्या दिया है कौन सा ऑप्शन है जो देवश्री को सिलेक्ट करना चाहिए ए बी सी डी में से जो कि वो अपने लेटर में इलेबोरेट करे यानी आप इनमें से क्या पॉइंट्स है जो अपने लेटर में लिखते अगर आपको ये लेटर आता तो पहला एब्सेंस ऑफ रैम्स व्हील चेयर हाँ डिफरेंटली एबल्ड है तो व्हील चेयर पे करेंगे ना ट्रेवल तो उनके लिए रैम्प तो होना चाहिए ना क्योंकि एक रैम्प ईजी तो हो जाता है आपको ऊपर ले जाने में तो ऑप्शन ए सही लग रहा है अनकलीन टॉयलेट ओके ठीक है रख लेते हैं इसको ऐसा नहीं है कि ये इनकन्वीनियंस नहीं है लेट्स कीप दैट हाई टिकट प्राइस अरे टिकट प्राइस का तो इनकन्वीनियंस सबको हुआ ना मतलब हमको भी प्रॉब्लम होगा हाई टिकट होगा डिफरेंटली एबल्ड होंगे उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक होगा ये नहीं है उनकी डिफरेंटली एबल्ड चीज की वजह से जो इनको प्रॉब्लम हो रही है नहीं हाई टिकट प्राइस गलत है तो हाई टिकट प्राइस की वजह से ए हटा दो अब ये जहां जहां है वो भी ऑप्शन हटा दो जस्ट चेक हाई टिकट प्राइस हाई टिकट प्राइस कहीं पर दिया हुआ है क्या कहीं दिया हुआ है क्या येस तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया अब सीधे बी और सी पढ़ो बी में क्या है अनसुटेबल विजिटिंग टाइमिंग्स जो विजिटिंग टाइमिंग है वो अनसुटेबल है विजिटिंग टाइमिंग इज विजिटिंग टाइमिंग उसमें डिफरेंटली एबल्ड हो या एबल्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है है ना अगर आप नहीं उठते हो जल्दी या आपको लगता है कि आप दूर से आए हो तो आपको उस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा वो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तो इसीलिए ऑप्शन बी भी, भी कैंसिल हो जाता है यू हैव ऑप्शन नंबर सी इन योर हैंड आंसर क्या है ऑफ फॉर डिफरेंटली से रिलेटेड है बिल्कुल टूरिस्ट गाइड्स गाइड्रेन इन साइन लैंग्वेज ऑब्वियसली जो साइन लैंग्वेज होती है जो ब्रेल स्क्रिप्ट होती है या ऐसे करके जो बात करना होता है ऑब्वियसली उन सबके साथ करना पड़ेगा ना जो नहीं सुन सकते उनको कैसे समझ आएगा कि कौन सी भाषा की बात

ऑप्शन नंबर सी, सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन आपको सिर्फ पढ़ना है कौन सा ऑप्शन रेलिवेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक दैट इज डिफरेंटली एबल्ड पीपल डन ओके

क्या चेंज करने की बात कर रहे हैं वो लाइक like, सोच नजरिया समथिंग लाइक दैट वो हम ऑप्शन में देखेंगे सेकंड इज आल्सो ब्लैंक अगेंस्ट नेग्लिजेंस टू द नीड्स ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड एट द टू स्पॉट शैल गो ऑन अ लॉन्ग वे इन अबाउट अ पॉजिटिव चेंज कुछ तो लिखना है जो कि इनको नहीं करना चाहिए नेग्लिजेंस नहीं करना चाहिए तभी तो पॉजिटिव चेंज आएगा मतलब मीनिंग तो समझ आ रहा है ऑप्शन देख लेते हैं पहला ऑप्शन से चेक कर लेते हैं इन माई ओपिनियन द मीडिया कैन प्ले अपटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स अब पीपल्स क्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है पीपल्स बिलवस एंड ट्रेडिशन अब इसमें बिलीव ट्रेडिशन कहाँ से आ गया डिफरेंट लेबल पीपल नहीं ये तो चीज ही नहीं है ना आपकी क्या बिलीव है आपकी क्या ट्रेडिशन है दैट इज नॉट गोइंग टू लिंक विथ वॉट जो भी डिफरेंट लेबल पीपल है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग परसेप्शन एंड एटीट्यूड परसेप्शन यानी आपका नजरिया ठीक है और एटीट्यूड मतलब आप किस तरीके से डील करते हो ना डिफरेंट लेबल पीपल के साथ ऑब्वियसली दिस इज परफेक्ट प्रेफरेंसेज दे नीड टू चेंज देंसेज वो कहीं से लिंक्ड है क्या चलो हो भी तो चलो सेकंड वाला ऑप्शन पढ़ लेंगे हम प्रोटेस्टिंग चलो उसको भी रख लो साइड में ऑप्शन uh, ए तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया इंट्रैक्शन इंट्रेक्शन की बात ही नहीं हो रही यहां पर कि यू नो दे हैव टू लाइक वोट क्या दिया माई ओपिनियन मीडिया के प्ले वोटल रोल ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स इंट्रेक्शन ट्रांसफॉर्मिंग पीपल थिंकिंग किस तरीके से उनका एटीट्यूड है वो पीपल। तो ऑप्शन जो फर्स्ट का है वो ए और बी सी में सॉरी बी और सी में हम कंफ्यूज है ऑप्शन हम देखते हैं सेकेंड ऑल्सो ब्लैंक अगेंस्ट नेग्लिजेंस ओके सो ऑल्सो कंपोजिंग सॉन्ग्स अगेंस्ट नेग्लिजेंस तो ऑप्शन ए तो पढ़ना ही नहीं है ऑल्सो कौशनिंग द अथॉरिटीज हां सही है जो भी अथॉरिटीज हैं जो भी रिस्पेक्टिवली यू नो जुड़े हुए हैं उस काम से रिलेटेड उन्हीं को तो करना है ना कौशन सो कौशनिंग द अथॉरिटीज अगेंस्ट द नेग्लिजेंस परफेक्ट लग रहा है प्रोटेस्टिंग प्रोटेस्ट क्यों करोगे यहाँ पे तो आप सीधे समझा रहे हो ना प्रोटेस्टिंग इज नॉट फॉर्मल दिस इज नॉट सजेशन, ये तो वॉयलेंस हो गया तो ऑप्शन सी डी पहले हम कर चुके एलिमिनेट यानी हमारे पास आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी परसेप्शन एंड एटीट्यूड एंड क्वेश्चनिंग अथॉरिटीज अगेंस्ट नेग्लेजेंस तो इस तरीके से आपको सिर्फ फिल करना था एंड यो आंसर दिस इगेन वन मोर इजी क्वेश्चन नेक्स्ट इज सेलेक्ट दैट करेक्टली जस्टिफाइज द चॉइस ऑफ द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ दिस लेटर इस लेटर को आप कंक्लूड करोगे तो क्या बोलोगे लाइक आपको कंक्लूड करना है इस लेटर को पहला दिया हुआ है आई एक्सपेक्ट द अथॉरिटीज टू टेक एक्शन ऑन दिस इशू प्लीज पोस्ट माई थॉट्स इन योर न्यूज क्या दिया हुआ है मैं अथॉरिटीज़ को एक्सपेक्ट करती हूँ मतलब ऐसे नहीं होता एक धाकड़ वाला एटीट्यूड आप उस तरीके से लिखोगे लेटर में तो वो तो बोल देंगे ना क्या कर रहे हो बेटा आप एडवाइस दे रहे हो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप मुझे धमकी दे रहे हो चुपचाप जो मैं बोला लेटर में वो कर देना ऐसे नहीं लिख सकते हो ना आप फॉर्मल लेटर में तो ये जो दिया एक्सपेक्ट द अथॉरिटीज़ टू टेक एक्शन ओके ठीक है पढ़ लिया सेकेंड आई होप माई व्यूज गेट पब्लिश ओके आई होप मैं आशा करती हूं कि मेरी व्यूज आप पब्लिश करेंगे इन द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज पेपर सो दैट दिस इशू में गान पब्लिक सपोर्ट एन अवेयरनेस ताकि सभी लोग सपोर्ट करें पब्लिक को पता चले अवेयर हो वो कि भाई ये इशूज भी है ओके ऑप्शन बी परफेक्ट है क्या दिया हुआ है कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई करता है द सिलेक्शन यानी देवश्री में वन और टू में से एक ऑप्शन चूज किया है उसने वो चूज क्यों किया है ये क्वेश्चन ना बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि आपके पास दोनों ही ऑप्शन से रिलेटेड बहुत प्यारे से ऑप्शन बट आपको पूछा क्या गया है कि कौन सा ऑप्शन ये बताता है क्यों देवश्री ने इन दोनों में से एक को अपना कंक्लूजन चूज किया होगा दूसरे को क्यों नहीं किया वो नहीं पूछा है सो जस्ट फोकस ऑन टू को चूज हम क्यों करेंगे दैट्स इट टू ही चूज करोगे ना वन तो नहीं करोगे तो टू क्यों करोगे दैट इज आस्क्ड सो पहला ऑप्शन यस टू ऑप्शन वन ऑप्शन वन की बात ही नहीं कर रहे हम तो ऑप्शन वन तो गलत और वैसे भी यस yes तो किया ही नहीं हमने नो टू ऑप्शन वन हमें नहीं जानना है उन्होंने मना क्यों किया है मत पढ़ो नहीं तो उसको ही टिक कर क्या जाओगे हमें जानना है ऑप्शन 2 को हां क्यों बोला स टू ऑप्शन टू बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ पोलाइट एक्सपेक्टेशन परफेक्ट क्योंकि उसमें पोलाइटनेस है उसमें एक फॉर्मल टोन है आप एक्सपेक्ट तो कर रहे हो बट पोलाइटली एक्सपेक्ट कर रहे हो आप ऐसे धमकी नहीं दे रहे हो तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल बताता है कि क्यों हम चूज करेंगे देवश्री ने क्यों चूज किया होगा इस कंक्लूडिंग लाइन को नो टू ऑप्शन बिकॉज ऑफ द सर्टेनिटी इन द टोन नहीं पे नो तो है ही नहीं ऑप्शन टू को यानी आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी तो प्लीज जाके सीधे सीधे ऑप्शन बी मार्ट टिक कर देना वो भी सही है बट पूछा क्या है कि क्यों चूज किया है क्यों नहीं किया है वो नहीं पूछा तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ो नहीं समझ आ रहा है

यू you नो know, मैं होप करती हूँ कि अवेयरनेस फैलाएगा लोगों को पता चलेगा क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं डिफरेंटली एबल लीड टू एक्शन अगेंस्ट ऑल अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल एट टूरिस्ट प्लेस नहीं बोल सकते हो ऐसा कि आप एक्शन लो आप चाहते हो लोग समझें है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और फॉर्मल

रिव्यू यू वॉन्ट द एक्शन टू बी टेकन है ना आपको ये नहीं चाहिए कि मेरे लिए प्यारे प्यारे नो कॉमेंट्स आएंगे लोग बोलेंगे वाह बच्ची ने क्या लेटर लिखा है नहीं आप चाहते हो कि ये सारी प्रॉब्लम डिफिकल्टीज दूर हो डिटली एबल्ड पीपल के लिए कोई सोल्यूशन निकले तो ऑप्शन ए है जो बिल्कुल परफेक्ट है इश्यू क्लियर तो बहुत आसान था बहुत 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 आसान था यह क्वेश्चन आई नो ट्वेंटी नाइन थोड़ा सा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ो अदरवाइज बहुत ईजी है राइटिंग सेक्शन अब बताओ लेटर लिखने को मिलेगा लिख लो इतनी सारा दिमाग चलता है वहां पर ये पॉइंट्स भी लिखूंगा नहीं बट ऑप्शन में क्या है आपके पास सब कुछ आपको जस्ट चूज करना है सो दिस इज हाउ इट एंड्स अब देखो क्योंकि इस वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा हो गया है लाइक बहुत लंबा वीडियो हो गया है तो इसीलिए हम इसको यहीं पर एंड करेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन है लिटरेचर पोर्शन दैट वी विल डिस्कस इन अनादर वीडियो जिसकी अपडेट आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाती है विल गेट द वीडियो ठीक है सो लेट्स जस्ट एंड दिस वीडियो है बट दिस इज नॉट द कंप्लीट सैम्पल क्वेश्चन पेपर ये सिर्फ रीडिंग राइटिंग ग्रामर पोर्शन है लिटरेचर का सेक्शन इन द नेक्स्ट वीडियो विल गेट क्लियर ऑल वी हैव फाइनली कंप्लीटेड आर रीडिंग सेक्शन राइडिंग सेक्शन एंड ग्रामर सेक्शन दैट इज एंड बी सेक्शन हम कम्प्लीट कर चुके हैं ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज आई होप आपका थोड़ा बहुत टेंशन यू you नो know, कम हो गया होगा राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड बाकी तो सब हम कर ही चुके हैं है ना और लिटरेचर पोर्शन कितना ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए कितना ईजी होगा अगर आपने एम सी क्यूज वाले वीडियोज देखे हैं वो प्रूफ हो जाएगा इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सैपल क्वेश्चन पेपर बट बिफोर बी कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दट इज अगर आपको कोई भी टॉपिक मैग्ने ड्रीन से पढ़ना होता है आप क्या करते हो यू विज यूट्यूब आप टाइप करते हैं मैगनेटीन सर्च फॉर द पर्टिकुलर टॉपिक वीडियो क्लास प्लेलिस्ट एंड यू स्टडी फ्रॉम इट बट कभी कभी होता है बाय चांस कि आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो इजीली नहीं मिलता है यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट तो आप क्या कर सकते हो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू गूगल टाइप मैगनेट्रीन डॉट कॉम जो कि हमारी वेबसाइट है एज यू विल गो टू द वेबसाइट आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज डिस्प्ले होगा ना अगर आप ध्यान से देखो आपको सारी क्लासेज एक ऑर्डर में mention है आपको सिर्फ क्लिक करना है आपको स्क्रॉल अप डाउन इतना ज्यादा मेहनत नहीं करना है वट यू हैव टू डू इज आप किंडर से लेकर क्लास ट्वेल्व तक जिस भी क्लास का टॉपिक पढ़ना चाहते हो जस्ट क्लिक ऑन दैट फॉर एक्जाम्पल आप ऑबियस क्लास में है तो आप क्या करेंगे आप आप क्लास क्लास पे पे क्लिक करेंगे. पे क्लिक करेंगे। करेंगे, जैसे ही आपके सामने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं क्लास टेंथ के वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे आप पढ़ना चाहते हैं आप इस पर क्लिक गेट द से क्या हमने कवर किया है रीडिंग ग्रामर एवरीथिंग अब आपको सपोज पढ़ना है लिटरेचर पोर्शन का कोई टॉपिक आप क्या करो आप लिटरेचर वाला सेक्शन फर्स्ट फ्लाइट जैसे फर्स्ट बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है सेकंड बुक आप फर्स्ट बुक का पहला चैप्टर लेटर टू गॉड पढ़ना चाहते हो क्या करोगे फर्स्ट फ्लाइट पर क्लिक करोगे आपके सामने सारे लेसन जाएंगे क्लिक ऑन अ लेटर टू गॉड जो कि पहला चैप्टर है एंड विल गेट द वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ दै पर्टिकुलर चैप्टर तो बड़ा आसान है राइट जस्ट फ्यू क्लिक्स एंड यू आर देर जो भी आपको पढ़ना है नाउ सपोज यू आर डन विद दिस नाउ यू यंट टू स्टडी यू नो समथिंग एल्स लाइक आप कोई दूसरा कवर करना चाहते हो वट यू विल डू इज आप क्रॉस पे क्लिक करो अगेन यू कैन चूज फ्रॉम द सेक्श और यू कैन जस्ट गो बैक आप बैक बटन पे क्लिक करो एंड यू कैन सेलेक्ट द क्लास सब्जेक्ट टॉपिक वट एवर यू वॉन्ट सो दिस इज हाउ इजी इट इज जस्ट ऑफ दिस अगर आपको थोड़ा बहुत भी इशू आता है यूट्यूब पे वीडियोज सर्च करने में डन ओके सो विद दिस हाफ ऑफ द सैपल क्वेश्चन पेपर वी शुड से है लाइक मेजोरिटी मोस्ट ऑफ इट वी हैलरेडी कम्पलीटेडेड अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैल द अपडेट्स की कब वीडियो आ रहा है बट टिलन जस्ट प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चन थरली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कितना ईजी पेपर आ सकता है इफ यू आर प्रिपेयर फॉर इट क्लियर सो इफ यू फाउंड द सैपल क्वेश्चन पेपर डिस्कशन वेरी हेल्पफुल वेरी बॉदी देन डेफिनेटली प्लीज गिव अग थम्स अप टू दिस वीडियो ऑल्सो यू फील किसी और को भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर का डिटेल्स सोल्यूशन समझ जाएगा हेल्पफुल होगा शेयर द वीडियो विद आल्सो शेयर अबाउट माइनेस विद एज मेनी पीपल सबको ही फ्री एजुकेशन मिल पाए एंड ये प्लीज सब्सक्राइब टू माइग्रेब्रिज इफ यू डोंट वॉन्ट टू मिस एनी अपडेट फ्रॉम आर चैनल सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर वीडियो बट यस इन गोइंग टू मीट वेल सुन विद नेक्स्ट टॉपिक टिल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ थैंक यू सो मच फॉरिंग